Hello, hello, hello everyone. This is your master teacher Surabhi from Vedantu signing in. Kaise ho aap sab log? Welcome to today's marathon session. Welcome, welcome. Hi guys, kaise ho, kaise ho? Welcome, welcome to today's session. तो गाइस आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझे शायद पहली बार देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मेरा नाम सुरभि गुप्ता है. अब से लेकर जब तक वेदांतु चाहेगा और जब तक आप लोग चाहोगे, मैं आपका 9th और 10th सोशल स्टडीज लूँगी. एंड आई हैव यू नो, इससे पहले 3 साल में मैं वेदांतु में काम कर चुकी हूँ. उससे पहले मैं एक कंपनी में काम करती थी जिसका नाम था डासो सिस्टम्स. उससे पहले मैं कॉलेज में एक प्रोफेसर थी. ये सब सारी हिस्ट्री मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके बारे में, उसमें मैंने बताया था. तो दैट इज़ अ बेसिक यू नो इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. बट काफ़ी हो गया इंट्रोडक्शन, अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं कौन हूँ. तो आज से हम शुरू करने वाले हैं आपका मैराथन सेशन. आज से मतलब आज शुरू करेंगे और आज ही ख़त्म कर देंगे. और ये मैं पहली बार लूँगी फॉर क्लास 10, सो आई एम सुपर एक्साइटेड. और आई होप आप लोग भी काफ़ी एक्साइटेड हो आज के लिए. हाँ हाय क्लास 9, क्लास 9 वाले बच्चे भी आएगा इसी क्लास 10 के लिए, बट कोई बात नहीं, आ जाओ. अंकना मैम हैज 2-3 वीडियोस बन चुके हैं इस पे, मतलब आप लोग चैनल के सारे वीडियोस देख नहीं रहे हो. अंकना मैम अब कहीं शी हैज लेफ्ट वेदांतु फॉर पर्सनल रीजंस. आई एम श्योर वट एवर शी डज शी विल शाइन ब्राइटर दैन शी वॉज बिफोर. केमचो मजामा मजामा. ऑल राइट, तो गाइज वेलकम वेलकम. मैं बहुत एज आई सेड एक्साइटेड हूँ आज का सेशन लेने के लिए. 10th स्टैंडर्ड में मतलब मुझे ऐसा अपना 10th स्टैंडर्ड याद आ गया, 10th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए, कि मतलब काफ़ी मुश्किल थी 10th स्टैंडर्ड, है ना. मतलब टीचर्स भी सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते. मुझसे कोई बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछ लो, मेरी हालत बुरी हो जाएगी. और स्टूडेंट्स को कितना पढ़ना पड़ता है, एम आई राइट, है ना. थैंक यू अनुभव. हाय आशी, हेलो हेलो. चलो तो देखते. अच्छा आप एक बच्चा मुझसे बायोलॉजी क्वेश्चन पूछने लगा चैट बॉक्स में. मैं बोल रही हूँ मेरी बुरी हालत हो जाती है, लेकिन अब तो मैम से बायोलॉजी क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पर. हाँ SST डिफिकल्ट लगता है. SST वैसे मज़ेदार है, कहानी जैसी तो है, बट जब एग्जाम में आता है ना तब मुश्किल लगने लगता है. आई टोटली एग्री, टोटली एग्री. दैट्स ग्रेट प्रिजी, आई वुड जस्ट लाइक टू से कॉन्ग्रेचुलेशंस. चलो अब धीरे धीरे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, और बच्चों को भी बता दो कि ये मैराथन होने वाला है. जिन बच्चों की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है उनको तो बता ही दो कि गाइज आ जाओ, यही मैराथन आपको यू नो एग्जाम में बचाएगा. तो डू शेयर दिस वीडियो राइट नाउ, करते रहो. वी आर गोना वेट फॉर एवरीवन टू ज्वाइन इन. तब तक मैं बता देती हूँ कि हम क्या क्या टॉपिक्स करने वाले हैं. गाइज मुझे बोला गया 8:30 to 10:30 के बीच में ख़त्म करना है. मैंने कहा ये बायोलॉजी और फिजिक्स जैसे बेबी सब्जेक्ट्स नहीं है कि मैं 2 घंटे में ख़त्म कर लूँ, है ना. ये SST है जिसमें हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और चारों मुझे ही पढ़ाना है. एंड ऐसे बटे हुए टीचर्स नहीं है यहाँ पर, तो मैं कोशिश करूँगी कि 2 घंटे में हो जाए, नहीं तो ऑल नाइटर, है ना. कौन कौन है मेरे साथ, फुल नाइट वील बी टुगेदर रेडी फॉर फुल रिविजन. हाँ थैंक यू गौरी. ऑफ कोर्स वी क्विज होगा, वी क्विज के बिना जिंदगी है कहाँ. वी क्विज होगा, हाँ सब हो ऑल नाइटर के लिए रेडी. वाह वाह, पानी की बॉटल साथ में होनी चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, फोन स्विच ऑफ हो जाना चाहिए. फोन स्विच ऑफ करोगे तो वीडियो कैसे देखोगे. हाय अपना ही ट्रोल. चलो नाउ टॉपिक्स क्या करने वाले हैं. राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया और नेशनल इन यूरोप, और नेशनलिज्म इन इंडिया करेंगे हम हिस्ट्री में. सिविक्स में करेंगे पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म. इकोनॉमिक्स में करेंगे डेवलपमेंट और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. कितने चैप्टर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर्स तो यही हो गए. और 7वां चैप्टर करेंगे ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर. अब गाइस बहुत लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि ये वाला चैप्टर नहीं आ रहा, फर्स्ट चैप्टर आ रहा है. तो डू नॉट वरी, अगले हफ्ते से आई विल बी स्टार्टिंग विद योर रेगुलर सेशंस ज्योग्राफी के, वो देख लेना, है ना. या फिर अंकना मैम के पुराने वीडियोज देख लेना, लास्ट ईयर के वीडियोज देख लेना, चिंता मत कर, मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है. हाँ भैया मेंटी होगा, जान लोगे क्या मेरे, मेंटी होगा, होगा मेंटी. चलो चलो जल्दी से और बच्चों को बुला लो. उसके अलावा गाइज मिड टर्म मैराथन बहुत ज़ोरों में चल रहा है. बायोलॉजी, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स का हो चुका है, मैंने देखा सबका. मैंने कल अभिषेक सर का देखा, अमृत सर का देखा, उनका देख के मुझको आ गई है थोड़ी बहुत फिजिक्स और बायो. फिजिक्स तो मुझे बहुत ही बुरी लगती है,
अत्यंत बेकार सब्जेक्ट लगता था मुझको व्हेन आई वाज इन स्कूल. फिर मतलब थैंकफुली अब नहीं पढ़ना पड़ता मुझे. सो यू नो जिनको फिजिक्स अच्छी लगती है वेरी गुड. कितने टाइम तक होगी अक्षत, मैं चाहती हूँ 2 घंटे में निपट जाए, पर नहीं होगी तो पूरी रात बैठने के लिए तैयार हो जाओ. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. 9th स्टैंडर्ड के लिए मैराथन करूंगी मैं अगले हफ्ते, डोंट वरी. जो 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं ना जो रो रहे हैं कि मैम हमारा क्या, हम क्या कोई वो है मतलब बचा हुआ चिकन है जो हमें कोई खाना नहीं चाहता, नहीं नहीं आपके लिए भी करूंगी. ठीक है, वी वॉर्स जो है वो भी शुरू होगा. इसका स्केड्यूल भी आप कम्युनिटी पेज पे देख सकते हो. आप शुरू कर, 15 चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर. मेरी मैथ्स भी बुरी है क्या, मैं ऐड नहीं कर पाई. चलो लेट अस स्टार्ट विद द डोज ऑफ मोटिवेशन, है ना. और ये डोज ऑफ मोटिवेशन आज के लिए स्पेशल है क्योंकि मैंने कहा कि ऑल नाइटर भी हो सकता है आज का सेशन, है ना. देखते हैं, आज अभी तक 4:33 बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ कि बढ़ जाए बच्चे, तो जल्दी से सबको बुला लो और देखते हैं एंड तक कितने बच्चे सह पाते हैं, कितने बच्चों में हिम्मत है कि भैया हम तो पढ़ाई करते रहेंगे, है ना. क्योंकि आज का मोटिवेशन भी ऐसा है, स्टडी वाइल अदर्स आर स्लीपिंग, और बच्चे सो रहे हैं पर आप जो हो पढ़ाई कर रहे हो. वर्क वाइल अदर्स आर लोफिंग, और लोग जो है मतलब इंस्टाग्राम पे मजे मार रहे हैं, यूट्यूब पे अजीब से रणबीर कपूर आलिया भट्ट वाले मीम्स, ब्रह्मास्त्र मीम्स चल रहे हैं ना आजकल, वो देख रहे हैं. बट यू आर वर्किंग, वर्किंग फॉर योर फ्यूचर, वर्किंग टू मेक श्योर कि आपको मार्क्स, मार्क्स तो बाय प्रोडक्ट है कि जब आप एग्जाम पेपर दो तो आपको मजा आए पेपर देने में, है ना. प्रिपेयर वाइल अदर्स आर प्लेइंग. गाइस ये वाला जो है ना, आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू प्ले, बट इस लाइन का मतलब है कि लोग खेलते रहेंगे पर आपके लिए टाइम बहुत वैल्यूबल है, आप टाइम को बहुत वैल्यू दे रहे हो, है ना. ड्रीम व्हाइल अदर्स आर विशिंग. ओह आई विश कि मैं बोर्ड एग्जाम्स में टॉप कर लूं, ये विश है. ड्रीम करना, आई हैड अ ड्रीम, है ना, वो वाला जो ड्रीम करना होता है, दैट यू नीड टू ड्रीम एंड मेक इट इनटू अ रियलिटी, है ना. तो इसी डोज ऑफ मोटिवेशन से आज की क्लास शुरू की जाए, क्या कहते हो. लाइक टारगेट, अच्छा हाँ गाइज लाइक टारगेट बताओ, ये तो नई चीज है मेरे लिए, बता दो कितना होना चाहिए लाइक टारगेट, क्या लगता है. ग्रेट समीर, बना दो इसका अपना अपना मोबाइल फोन का वो वॉलपेपर. बच्चे बड़े स्ट्रांग है, देखते हैं देखते हैं, रटना पड़ेगा. पूरी रात के लिए रेडी हो, अच्छा 1000, हाँ आई थिंक 1000 रख सकते हैं बाई द एंड ऑफ टूडे सेशन, 1000 लाइक्स तो आई जाने चाहिए, क्या कहते हो. आई वॉन्ट यू गाइज टू कम्प्लीटली स्पैम द चैट बॉक्स, और बच्चे जो नहीं देना ऐसे बैठे हुए हैं. हाँ मैम हमारा तो मन ही नहीं है कि अपना हाथ उठा के लाइक बटन पे दबाए, इतनी भी हिम्मत नहीं है हमारे में. यस बच्चा देयर विल बी अ वी क्विज, यस देयर विल बी अ वी क्विज, है ना. मैं स्वीट हूँ ना क्योंकि मैं बहुत चॉकलेट्स खाती हूँ, बहुत चॉकलेट्स खाती हूँ. मतलब आज ही मैंने आई थिंक इतना नर्वस थी मैं आज के सेशन के लिए, मेरा पहला सेशन है कि मैंने 10 चॉकलेट्स खा ली, बड़ी बड़ी, और बहुत ही बुरा होता है गाइस, ऐसे मत क्या करो. अनुभा मैम की तरह हमें हेल्दी खाना चाहिए, सुरभि मैम की तरह अनहेल्दी नहीं खाना चाहिए. शिब्रा टू क्योर नेम, व्हाट इफ आई टेक आपका नाम लेके क्या होगा, मैं कोई सुपरस्टार हूं. चलो थम्स अप दे दो मेरे पेपर में. अच्छा बहुत चीजें आ रही है और लोगों के पेपर में. चलो रिडल से शुरू करते हैं क्योंकि ब्रेन को थोड़ा टीज करने का टाइम आ गया है. नो मैटर हाउ लिटिल और हाउ मच यू यूज मी, यू चेंज मी एवरी मंथ, वॉट एम आई. अब कुछ बच्चों के दिमाग में बड़े फनी एग्जाम्पल्स आंसर्स आने वाले हैं. नो मैटर हाउ लिटिल और हाउ मच यू यूज मी, यू चेंज मी एवरी मंथ. वाह काफी बच्चों ने सही आंसर दे दिया. आतिफा राइट राइट. नॉलेज, नॉलेज को कैसे चेंज करते हो. डेट, डेट से रिलेटेड है. आईब्रोज, नो आईब्रोज कौन है ये बच्चा. कैलेंडर, नेटवर्क, दैट इज अ गुड आंसर. हाँ दैट्स करेक्ट, कैलेंडर इज करेक्ट, कैलेंडर इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. हाँ हाँ सही बोले हो, सही बोले हो. थैंक यू उत्कर्ष, सो स्वीट. चलो शुरू करें, शुरू करें, और बच्चों को बुला लो जल्दी से. ठीक है, जो बच्चे बाकी हैं आप शेयर कर लो इधर उधर, जहाँ भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप से स्कूल बुल के, और सबको बुला लो. क्योंकि जब सुरभि मैम शुरू करती है ना तो वो बुलेट ट्रेन की तरह ही चल देती है. गाइस मुझे ना स्लो करना पड़ता है अपने आप को कि धीरे बोलो, बच्चे नहीं दौड़ पा रहे हैं तुम्हारे साथ. चलो बता दो जल्दी से, गिव मी अ यो इन द चैट बॉक्स इफ यू गाइस आर हैविंग दिस चैप्टर इन योर एग्जाम, मिड टर्म एग्जामिनेशन. यो दे दो, यो दे दो. क्रश, बच्चे लाइक मैम क्रश,
यूज नहीं करते हम क्रश का पर हर महीने बदलता है. आई लव दिस आंसर. आई एब्सोल्युटली लाइक दिस आंसर. हाँ सही है. और बट आई कैन ओनली सी यू. आई थिंक सबके सबके पेपर्स में आ रहे हैं. तो गाइज मैंने आपके लिए ऐसे माइंड मैप्स बनाए हैं दैट आई विल बी पुटिंग द माइंड मैप्स एंड एवरी थिंग ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ वेदांतु 9th and 10th. मेरा अपना भी टेलीग्राम चैनल है कॉल्ड सोशल स्टडीज विद सुरभि. अगर आप ढूंढोगे ना आपको मिल जाएगा सोशल स्टडीज विद सुरभि. उसमें भी मैं जो माइंड मैप्स होते हैं चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं क्विजेज लेती रहती हूँ तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो. आज का माइंड मैप मैं उसमें भी डालूंगी लेकिन वेदांतु 9th and 10th टेलीग्राम चैनल पर. तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. हाँ ये क्या बात है. चलो थम्स अप दे दो जल्दी से. थम्स अप की वेट कर रही हूँ. जल्दी से बता दो कितने लाइक्स हो गए अभी तक. वेट कर रही हूँ मैं आपके थम्स अप की. आज का क्लास का स्केड्यूल है ऋतुराज कि हम लोग सारा माइंड मैप करने वाले हैं 10:30 तक ट्राई करेंगे. थोड़ा बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा है ना. एग्जाम मैं थोड़ी ना दे रही हूँ आप दे रहे हो. आपको टाइम लिमिट में रहना है. मेरे जोक्स. ऑलराइट नाउ जब बहुत बातें हो गई शुरू करें. हाँ ऑलराइट. नेशनलिज्म इन यूरोप बहुत ही आसान ही बहुत ही बच्चों वाला चैप्टर है. शुरू में पढ़ते हैं तो बहुत मुश्किल लगता है. 5 बार पढ़ लेते हैं तो लगता है कि इसमें क्या ही मुश्किल था. यू नो इट्स द सेम स्टोरी. हिस्ट्री में कहानी एक ही चलती रहती है बस डेट्स बदलता रहता है ना. तो नेशनलिज्म इन यूरोप मैं अपने आप को छोटा कर देती हूँ इसके लिए. इतना छोटा करती हूँ. आई थिंक नाउ इट्स विजिबल. गाइस बीच बीच में ना मैं अपने आप को गायब कर दूंगी सो दैट इट इज़ मोर विजिबल टू यू. ठीक है. तो द फर्स्ट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आपने 9th standard में पढ़ा था. इट हैपेंड इन 1789. फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो है फ्रांस जो है वो एब्सोल्यूट मोनार्की थी. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी मतलब डिसीशन मेकिंग पावर, जो डिसीशन मेकिंग पावर है वो लोगों के हाथ में आ जाती है, सिटीजन्स के हाथ में आ जाती है. अब गाइस इतना काफी नहीं होता. आपने पढ़ा था चैप्टर में कि एक नेशन बनाना काफी नहीं होता. लोगों के अंदर एकजुटता लाने की भी जरूरत है. इट इज इंपॉर्टेंट दैट पीपल फील एज इफ दे आर अ पार्ट ऑफ वन कंट्री है ना. एनिमी एक कॉमन एनिमी होता है ना तो सब एक साथ हो जाते हैं. बट जब वो कॉमन एनिमी निकल जाता है तो साथ में कैसे रहें है ना. तो कुछ शेयर्ड हिस्ट्री होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए, कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं सो दैट हम एक देश के लोग बने रहे. तो किस टाइप के आइडियाज यूज होने लगे फ्रांस में. आइडियाज लाइक ला पत्री दैट इज फादर लैंड, ले सिटियो सिटोयन दैट इज द सिटीजन वर एडॉप्टेड. ठीक है. द रॉयल फ्लैग जो है जो फ्रांस का था इट वॉज रिप्लेस बाई द न्यू फ्रेंच फ्लैग. अपार्ट फ्रॉम दैट मेनी चेंजेस वर ब्रॉट इन द आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रांस को है वो नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया जिससे ये था दिमाग में लोगों के कि अगर एक लैंग्वेज सब लोग बोलेंगे तो लोगों में यूनिटी ज़्यादा आएगी. यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड कि एक कंट्री है तो एक वेट्स और मेजर्स होने चाहिए. इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड. एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया फ्रांस में. अगेन एक कंट्री तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए है ना. क्योंकि फोकस था लोगों को यूनाइटेड रखने के का. ठीक है नीचे आ जाओ. अच्छा नीचे आ जाओ. अच्छा नीचे आने के लिए ना मुझे एक सेकेंड. हाँ चलो ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे इसमें नीचे आने में. कोई बात नहीं. ठीक है. और अब मुझे ऊपर जाना पड़ेगा. गाइस मैं ना गायब भी हो जाऊंगी स्क्रीन से. ठीक है. ओ नो ये होता है हिलाना नहीं चाहिए इसको. मुझे बोला गया था ऊपर उजाती हूँ अब. चलो फोकस करते हैं. फिर उसके बाद क्या हुआ. नेपोलियन आया है ना. फ्रांस में अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेसी बहुत लंबे टाइम तक नहीं रही. वी हैव नेपोलियन बिकमिंग द रूलर ऑफ फ्रांस इन 1799. हाउएवर डिस्पाइट द फैक्ट दैट नेपोलियन डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी ही वॉज स्टिल कंसिडर्ड अ हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी. मतलब डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने डेमोक्रेसी की बिल्कुल रेड मार दी. उन्होंने लोगों ने जो मेहनत की थी मोनार्की को हटाने के लिए वो खुद डिक्टेटर बन गए है ना. लोगों के सारी मेहनत में पानी फेर दिया. पर फिर भी लोगों ने नेपोलियन का काफ़ी स्वागत किया. पीपल वर हैप्पी विद हिम इनिशियली. वाई बिकॉज ऑफ दिस 1804 में उन्होंने नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड को पास किया अंडर विच उन्होंने इक्वालिटी बिफोर लॉ लाए. ही इम्प्रूव्ड द ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम. यही तो लोग चाहते थे स्पेशली जो मिडिल क्लास थी है ना. यही चाहते थे कि ट्रांसपोर्टेशन हो, कम्युनिकेशन हो. प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ एबॉलिश किए जाए. प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ मतलब कि जस्ट बिकॉज यू आर बॉर्न इन अ नोबल फैमिली या किंग्स फैमिली आपको कुछ प्रिविलेजेस मिले, आपको टैक्स ना पे करना पड़े. ये सब एबॉलिश कर दिया नेपोलियन ने.
एंड सबसे बड़ी चीज जो नेपोलियन ने की जिससे लोग बड़े ही खुश हुए वो था राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। नेपोलियन ने राइट टू प्रॉपर्टी दी फ्रेंच सिटीजन्स के लिए, राइट। ऑलराइट, फिर उसके बाद रूलर्स ऑफ सॉरी सिंप्लीफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, हटाई देती हूँ मैं अपने आप को स्क्रीन से थोड़े टाइम के लिए, है ना। सिंप्लीफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एंड ही रिमूव्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन गिल्ड्स इन टाउन। गिल्ड्स मतलब जो यूनियंस होते हैं, ट्रेड यूनियंस, वो उन्होंने हटा दिए, ठीक है। यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ टुडेज क्लास बच्चा ऑन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है, चिंता मत करो, ये सब फोटो वोटो लेने की जरूरत नहीं है, आई विल पुट इट इन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। चलो मैं इस साइड जाती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, नाउ नेपोलियन काफी टाइम से ही स्टार्टेड बैटल्स एंड ही स्टार्टेड गोइंग टू अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप टू एंड द रेन ऑफ मोनार्की, यू नो दैट वाज द इंटेंशन कि मैं मोनार्की को हटा दूंगा। तो लोगों ने पहले तो बड़ी बड़ी खुशी से नेपोलियन का स्वागत किया, बट बाद में उन्हें गुस्सा आने लगा नेपोलियन से। क्यों गुस्सा आने लगा? बिकॉज नेपोलियन वॉर करता था, बैटल करता था, बैटल के लिए उनको पैसे चाहिए थे, राइट। सो डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज, तो पैसे कहाँ से आएंगे? भगवान थोड़ी ना आएंगे, ये लो बेटा पैसा रहो, तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, नहीं। ही इंक्रीज द टैक्सेस ऑन द पीपल, तो जब लोगों को हाई टैक्सेस देने लगे, लोगों को फोर्स किया गया नेपोलियन आर्मी में, कॉन्स्क्रिप्ट किया गया, तो पीपल स्टार्टेड गेटिंग एंग्री विद नेपोलियन, ठीक है। एंड स्पेशली द कॉन्जर्वेटिव्स, यू नो जो न्यू कॉन्जर्वेटिव थे, उनको दे स्टार्टेड कमिंग टुगेदर अगेन अगेंस्ट नेपोलियन। तो 1814-15 में हम देखते हैं दैट नेपोलियन इज डिफीटेड एट वॉटरलू बाय द यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया। 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना, जल्दी से आप लोग बताओगे, ट्रीटी ऑफ वियना जो ऑस्ट्रिया में साइन होता है, हु इज द ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया, जल्दी से बता दो मुझको, ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया कौन है? जब तक आप बता रहे हो मैं आगे बढ़ती हूँ। द इंटेंशन ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना वाज टू रिस्टोर मोनार्की एंड क्रिएट अ न्यू कॉन्जर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्टोरिंग मोनार्की। तो जैसे फ्रांस में था, वहाँ पर बर्बन एम्पायर था, उसको रिस्टोर किया गया। ऑस्ट्रिया में मोनार्की को यू नो रिस्टोर किया गया। हाँ, ड्यूक मेटरनिच, ड्यूक मेटरनिच फेवरेट डायलॉग है बच्चों का, वेन वो डायलॉग भी नीचे लिख के बताओ, ठीक है। नाउ यो डायलॉग ड्यूक मेटरनिच का यहाँ पॉपुलर हो जाता है, बिकॉज व्हेन फ्रांस स्नीजेस व्हाट हैपेंस, व्हेन फ्रांस स्नीजेस हु गेट्स कोल्ड, फ्रेंच पीपल, हाँ। ऑलराइट, 1821 में वी सी दैट ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगन। 1830s में गुसिप्पी मजीनी जो है, ही स्टार्टेड सीक्रेट सोसाइटीज विद एन एम टू यूनिफाई इटली। दो सीक्रेट सोसाइटीज उन्होंने एस्टैब्लिश की, राइट, यंग यूरोप बर्न स्विट्जरलैंड में और यंग इटली मर्सेल्स में। हाँ, बिल्कुल सही बोले, 1830s को, गाइज ये सब इंपॉर्टेंट डेट्स है, इतनी डेट्स काफी है और रखने की जरूरत नहीं है। 1830 को हम देखते हैं, 1815 से 1830 वी सी दैट कॉन्जर्वेटिव पावर, यू नो कॉन्जर्वेटिव का दबदबा रहता है फ्रांस में, कॉन्जर्वेटिव गवर्नमेंट रहती है। बट 1830s ऑनवर्ड्स हम देखते हैं कि रेवोल्यूशन का त्यौहार शुरू हो जाता है, एक के बाद एक रेवोल्यूशन शुरू हो जाते हैं। और रेवोल्यूशन शुरू कहाँ से होता है? एज यूजुअल फ्रांस से। फ्रांस है रूट और सब है शूट, या अमृतसर की क्लास का नतीजा है रूट और शूट। एनीवेज, फिर क्या, 1830 में जुलाई रेवोल्यूशन होता है पेरिस में, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज एस्टैब्लिश्ड इन फ्रांस। वेरी इंपॉर्टेंट, वापस से मोनार्की आती है, बट द किंग इज नाउ लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर 1832 में वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जहां पर ग्रीस बिकम्स अ नेशन स्टेट, ठीक है। 1848 में रेवोल्यूशन इन पेरिस बाय द पुअर, फ्रांस इज प्रोक्लेम्ड एज द रिपब्लिक। गाइस टेलीग्राम लिंक में कर दूंगी, चिंता मत करो सबकी, ठीक है, मैं कर दूंगी। ऑलराइट, रेवोल्यूशन इन पेरिस बाय द पुअर, फ्रांस इज प्रोक्लेम्ड एज अ रिपब्लिक। तो फ्रांस में हम काफी चेंजेस देखते हैं, पहले मोनार्की को हटा दिया जाता है, फिर मोनार्की को वापस ले आते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होता है, एंड फाइनली इन 1848 फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक, ठीक है, क्लियर। ऑलराइट, अब हम आते हैं अगले पार्ट पे, जर्मनी रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स जो 1848 में होते हैं। एंड दिस, जल्दी से बता दो इफ दिस जर्मनी रेवोल्यूशन फेल्स और सक्सीड्स, जल्दी से देखो मत स्लाइड को, डिड इट फेल और डिड इट सक्सीड, भूल गए हो क्या? ऑलराइट,
नो इट फेल्ड इट फेल्ड एग्जैक्टली. जर्मनी में क्या होता है कि पीपल थिंक कि हाँ जर्मनी को हमें यूनिफाई करना होता है. व्हेन फ्रांस स्नीज, फ्रांस ने स्नीज किया, वहाँ पर रिपब्लिक बन गई. तो जर्मनी के जो मिडिल क्लास लोग थे, जो लिबरल लोग थे, उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्यों ना हम जर्मनी को यूनिफाई करें और मोनार्की को हटाए, है ना. सो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो लिबरल्स थे, दे मार्च टू द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जहां पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बेसिस पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. फिर उसके बाद वो प्रशिया के किंग पे गए, विलहेम फोर था प्रशिया का किंग, और बोला कि देखो अब हमें जर्मनी में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लानी है, तो प्लीज एक्सेप्ट दिस. तो विलहेम फोर ने क्या बोला, चल हट, है ना. विलियम फोर ने बोला कि यार मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है राजा बनने में, why will I limit my power by the constitution? मैं क्यों मानू तुम्हारी बात, है ना, है ना. Exactly. Alright, so विलियम फोर ने क्या किया कि उन्होंने बाकी जो मोनार्क्स थे, बाकी जो एरिस्टोक्रेट्स थे, उनके साथ खड़े होके बोला लिबरल्स को कि आई विल नॉट गिव अवे माई पावर टू यू, है ना. अब लिबरल्स जो है उनका भी थोड़ा पोजीशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था इस पॉइंट पे, बिकॉज जो वर्कर्स और आर्टिजन्स थे, दे आल्सो स्टॉप्ड फेवरिंग द लिबरल्स, एंड फाइनली द ट्रूप्स वर फोर्सिबली डिस्पेंडेड, एंड यू नो जो मिलिट्री थी उसने कंप्लीटली क्रश कर दिया लिबरल रिवोल्ट को, है ना. थोड़ा पास लाओ माइक को, अच्छा ये लो. Alright, अब हम आते हैं कि efforts were made by the middle class Germans to unite different regions of German, but as I told you, efforts जो है काफी fail हो गए उनको. It was suppressed by the monarchy, military and land owners in Prussia. ठीक है गाइस, अगर मैं इससे slow जाऊंगी तो 12 बजे तक भी syllabus खत्म नहीं होगा. ये तो आता है आपको, ये तो बहुत आसान है, याद होगा आपको ये सब, हाँ. वेरी गुड शीतल, बहुत पॉपुलर है वो. ठीक है और स्लो जाते हैं. ठीक है फिर क्या होता है, नेशनल यूनिफिकेशन वॉज टेकन अप. नाउ अब गाइस इस पॉइंट पे एक चेंज आता है, है ना. हम देखते हैं कि अभी तक जो है जो कॉन्जर्वेटिव्स थे, दे वर प्रो मोनार्की, दे वर प्रो फैमिली, दे वॉन्टेड ट्रेडिशनल वैल्यूज, है ना. बट अब उनकी भावनाएं थोड़ी बदलने लगती है. तो जो कॉन्जर्वेटिव्स हैं वो सोचने लगते हैं कि यार क्यों ना हम मॉडर्न नेशन स्टेट बनाएं. ठीक है किंग होगा, राजा होगा, बट राजा जो है मॉडर्न नेशन स्टेट को रूल करेगा. मॉडर्न नेशन स्टेट क्या होता है, मॉडर्न स्टेट होता है जहाँ पर यू नो पहले क्या होता था, राजा होता था, सामंत होते थे, सामंत मतलब जो राजा के अंडर काम करते थे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे. तो इसमें भी काफ़ी झंझट था, इट वॉज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, है ना. तो अब उन लोगों ने सोचा, मोनार्की ने सोचा कि ये सब बेकार सिस्टम है, ये जो मॉडर्न स्टेट है ब्यूरोक्रेसी का, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स का, कॉमन लैंग्वेज का, ये बहुत अच्छा सिस्टम है, मुझको भी ये चाहिए, अपने को भी ये लड्डू चाहिए, है ना. तो फिर ये जो मोनार्क था इसने मतलब ही ऑल्सो वॉन्टेड टू यूनिफाई हिज एंटायर टेरिटरी एंड मेक इट इंटू अ स्टेट. ठीक है तो नेशनल यूनिफिकेशन वॉज टेकन अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रशिया. तो जो प्रशिया का किंग था उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क, ऑटो वॉन बिस्मार्क याद है, हाँ, ऑटो वॉन बिस्मार्क को बोला कि देखो जाओ लड़ाई करो, वॉर करो और मेरे टेरिटरी को यूनिफाई करो. ठीक है सो 3 वॉर्स वर फॉट इन अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस. Yes, he is known as the architect of Germany. Correct. है ना? Austria, Denmark और France के साथ उन्होंने battle की and finally he unified Germany. But उनको कुछ नहीं मिला शाबाशी के अलावा. In 1871, Kaiser William I was declared as the emperor of the new German Empire. Clear? ठीक है सो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वॉज एस्टैब्लिश्ड. अब गाइज इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जर्मनी का जब यूनिफिकेशन हुआ, नेशन तो बन गया, पर राष्ट्रवादी भावना कैसे आएगी लोगों में, तो उन्होंने प्रशियन डोमिनेंस दिखाया. तो यू नो मोस्टली प्रशियन कल्चर जो है उसको एनफोर्स किया लोगों के ऊपर. करेंसी जो है, बैंकिंग सिस्टम जो है, वेट्स एंड मेजर्स जो है, जुडिशियल सिस्टम, ये सब इंट्रोड्यूस कराई गई सो दैट लोग जो है यूनिफाई हो. ठीक है क्लियर.
अब हम आते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली पे. तो गाइज इस चीज के लिए ना मैं स्क्रीन से हट जाऊंगी थोड़े टाइम में, ठीक है, चिंता मत करो, आप तब फोटो ले सकते हो अगर लेना चाहो. बट इटली जो है एज यू नो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी. इट वॉज डिवाइडेड इन टू हाउ मेनी स्टेट्स? इट वॉज डिवाइडेड इन टू 7 स्टेट्स, ठीक है. इट वॉज डिवाइडेड इन टू 7 स्टेट्स एंड ओनली वन स्टेट जो था साइडीनिया पीडमोंट, सिर्फ एक स्टेट था जो इटालियन प्रिंसली हाउस रूल करता था. एग्जैक्टली है ना. तो अब यहाँ पर भी मैंने जैसे बोला ना, ऐसे फैल रहा है रेवोल्यूशन, क्रांति की जो है त्योहार चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पर, है ना. सोच रहे एक के बाद एक चलो क्रांति करते हैं. तो यहाँ पर इटली में भी जो वहाँ का मोनार्क था उन्होंने सोचा कि मुझको भी यूनिफाइड इटली चाहिए. अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात किसी और ने भी की थी. किसने की थी? मैं ना पूरा अपने आप को ला रही हूँ जिससे आप स्क्रीन ना देख पाओ. किसने की थी यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो. Who was the person who talked about unification of Italy? Surbhi ma'am? हाँ बहुत ही बढ़िया, सही जवाब. इट वॉज गुसिपी मजीनी, है ना. उन्होंने बात की थी 1830 से यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करनी शुरू कर दी थी. हाउ और बिकॉज ऑफ हिम ये आइडियाज जो है पूरे इटली में फैलने लगे, है ना. सो वी हैव काउंट केवोर एंड गारिबाल्डी जैसे ऑटोवन बिस्मार्क जर्मनी के आर्किटेक्ट थे. अगर इटली का कोई आर्किटेक्ट आपसे पूछे तो दो लोग थे, केवोर और गारिबाल्डी. ये दोनों चीफ मिनिस्टर्स थे हु हेल्प इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली. गारिबाल्डी लेड फोर्स मार्च्ड इनटू साउथ, मतलब साउदर्न इटली में उन्होंने लिया. दो सिसिलीज थे, जैसे इटली है ना साउदर्न इटली फिर नॉर्दर्न इटली, इटालियन पार्ट, और बीच का जो पार्ट था वो चर्च डोमिनेटेड था. तो साउदर्न पार्ट ऑफ इटली जो है वो गारिबाल्डी ने ले लिया. जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली है जो फ्रेंच डोमिनेटेड था थोड़ा, वो केवोर ने ले लिया. ही डिफीटेड द ऑस्ट्रियन फोर्सेज देयर, सॉरी, विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच. और फिर बीच का जो पोप था उसने सरेंडर कर दिया कि मैं तो हार ही जाऊंगा, तो ही ऑल्सो सरेंडर्ड. एंड इन 1861 विक्टर इमैनुअल बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली. इज दैट क्लियर? यस. फनी डाउट्स आ रहे हैं मेरे पास, उनके जवाब नहीं है. ऑल राइट, अब हम आते हैं फाइनल कंट्री पे, ब्रिटेन पे. गाइस फिर हम क्वेश्चंस पे जाने वाले हैं, ठीक है. ब्रिटेन जो है आपकी बुक में लिखा है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन. स्ट्रेंज केस क्यों है ब्रिटेन का? क्योंकि ब्रिटेन में क्रांति नहीं आई, है ना. जैसे कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, मुझे दिख रहा है जो बच्चे पढ़े लिखे पढ़े हुए नहीं है मिड टर्म्स के लिए, बस सोच रहे हैं कि मैराथन के बेसिस पे हम टॉप कर लें, है ना. वो बच्चे क्रांतिकारी है, है ना. एक रात को सोए दूसरी एक दूसरे दिन एग्जाम देना चाहते, एक हफ्ता पढ़ के. क्रांतिकारी बच्चे जैसे फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ये क्रांतिकारी बच्चे थे. पर ब्रिटेन जो है वो बच्चा है जो साल के शुरुआत से पढ़ाई कर रहा है ना. तो ब्रिटेन में कैसे आया, यू नो नेशन स्टेट कैसे बॉर्न हुआ? प्रॉपर मूवमेंट से, है ना, एक प्रॉपर प्रोसीजर से वहां पर बना, ठीक है. फोर्स्ड डोमिनेशन से बना. एग्जैक्टली फोर्स्ड डोमिनेशन से बना. तो इंग्लैंड जो ब्रिटेन था, मतलब अगेन बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे गाइस क्योंकि पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रही मैं यहाँ पर, बट ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा इसमें. एक्ट ऑफ यूनियन 1707 दैट फॉर्म्ड बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड बाय द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. जो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 है जिससे वेल्स आपका इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक बन गया, ठीक है. उसके अंडर जो स्कॉटलैंड हाईलैंडर्स थे उनको काफ़ी लोगों को भगा दिया गया. जो क्रिश्चियनिटी थी वो इम्पोज करने लगे. जो उनका खुद का गाइलिक डायलैक्ट था वो they were forced to not speak their own language, right? धीरे धीरे आयरलैंड को भी, नॉर्दर्न और सदर्न आयरलैंड को भी ब्रिटेन ने अपने अंडर ले लिया. फोर्स्ड डोमिनेशन क्या, ब्रिटेन की तो आदत थी, है ना, हमें कर रहा था, सबको कर रहा था, तो कोई बात नहीं, आदत है तो करते ही है. नाउ वो वुल्फ टोन थे जो सदर्न आयरलैंड के एक मूवमेंट उन्होंने लीड किया, बट ही फेल्ड एंड फाइनली ब्रिटिश नेशन एस्टैब्लिश हुआ. बट गाइज अगेन किसी भी यूनिफिकेशन के दो पार्ट्स होते हैं. एक वॉर और मिलिट्री यू नो कैंपेन से कैसे आप नेशन को एस्टैब्लिश करते हो, और दूसरा कैसे आप लोगों में एकजुटता लाते हो. हाउ डू यू यूनिफाई पीपल विद द हेल्प ऑफ यू नो नेशनलिस्टिक इमेजेस, है ना. तो यहाँ पर ब्रिटिश नेशन फॉर्म हुआ बाय यूजिंग जो आपका यूनियन जैक फ्लैग है, एंथम है, गॉड सेव द क्वीन की जगह आई थिंक अब गॉड सेव द किंग हो जाएगा, है ना, ठीक है. वीक वाइज आएगा बट कर तो ले पहले हिस्ट्री, राइट.
चलो अब जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं. तो गाइस 5 मार्कर है. एक्सप्लेन एनी 5 सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इन रीजन्स अंडर हिज कंट्रोल. ये मैं समझा चुकी हूँ आपको अभी अभी. गिव मी अ यू इन द चैट बॉक्स इफ यू कैन आंसर दिस. गाइस माइंड में मतलब मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रोमांटिसिज्म ये सब है, कर लो है ना. ठीक है. Yo, I know. So you will talk about why, how he completely destroyed the privileges on the basis of birth, equality before law le aaye, administrative division simplify kiya, feudal system abolish kiya, guild restrictions hata diye, people were now allowed to make guilds and trade unions. Ye sab jo topics hai, aap ye bataoge. Theek hai? 3 marker question. Explain any 5 economic hardship that Europe faced in the 1830s. गाइस पीडीएफ दे दूंगी, आखिरी में बता दूंगी कैसे मिलेगा, अभी फोकस कर लो. हाँ हाँ ठीक है. कोई बात नहीं. ठीक है. सो 1, यूरोप हैड कम अंडर द ग्रिप ऑफ लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट. तो आप कहोगे कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी. जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में कि कैसे लोग विलेजेस से सिटीज़ में आने लगते हैं. बहुत सारे जो छोटे प्रोड्यूसर्स थे, जो स्पेशली जो ईस्टर्न यूरोप के थे, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से दे फेस स्टिफ कॉम्पिटिशन. वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे लो प्राइस, जो मशीन मेड गुड्स होते हैं उनके लो प्राइसेस से. एंड दे यू नो they were losing money. In regions of Europe where aristocracy still enjoyed power, peasants jo hai, they continued to struggle against feudal and manorial dues, rise of food prices and bad harvests. Ye sab jo hai, ye important topics ho jate hain iske. Theek hai? फिर 2 marker question आता है. Guys, ये वाला question तो मतलब again हर चीज में mind map में नहीं डाल सकती ना, तो ये मैंने question में डाल दिया. Explain the significance of the Statue of Liberty in Frederick Suro's painting, The Dream of the Worldwide Democratic and Socialist Republic. Quickly tell me in the chat box, ये बीच में जो लेडी है ये कौन है? मैं ही हूँ प्रिंसिपल वेदांतु की. यकाश डिटेल में पढ़ लूँ तो वीडियो इस चैप्टर पे है, आप वहाँ पर देख सकते हो. ठीक है, कौन है ये लेडी? मैं हूँ, मैं खड़ी हुई हूँ वहाँ पर. हाँ मारिया. Yes. So guys, यहाँ पर मैंने आपको let me remove myself from the screen. एक टॉपर्स का टॉपर का आंसर डाला है. कितनी सुंदर राइटिंग है पहले तो टॉपर की, है ना. The Statue of Liberty held the torch of liberty in one hand and the charter of rights of man for the other, on the other. All the countries play homage to the, मतलब सारे जो और कंट्रीज है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने होमेज पे कर रहे हैं, उसको थैंक यू बोल रहे हैं. एंड जो स्टैचू को पास कर चुके हैं, जैसे फ्रांस हो गया, सॉरी ये है फ्रांस, जैसे फ्रांस हो गया, दे हैव ऑलरेडी गेन्ड इंडिपेंडेंस. इट रिप्रेजेंटेड द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम टू बिकम इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स. है ना, स्पेलिंग रॉन्ग हो गई यहाँ पर टॉपर की. तो ऑब्वियसली जिस बंदे ने ये क्लिप लिया है वो टॉपर नहीं है, है ना. ऑल राइट, अब हम आते हैं अगले चैप्टर पे. गाइस ये चैप्टर कर लेंगे फिर हम हिस्ट्री का वीक क्विज करेंगे. ठीक है, अब हमें ये चैप्टर निपटाना है 15 मिनट में, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया फर्स्ट चैप्टर में. हमारे पास इतना टाइम नहीं है. ना, यू डोंट नीड टू राइट इन पॉइंट्स, इट्स अ 1 marker, दैट इज अ 2 marker 1 marker क्वेश्चन, इट्स अप टू यू. पॉइंट में लिखने से क्या होता है ना कि एग्जामिनर को सब दिख जाता है जल्दी से. ठीक है, ऑल राइट. तो चलो, नेशनलिज्म इन इंडिया किन किन लोगों के मिड टर्म्स में आ रहा है, यो लिख दो चैट बॉक्स में. फेवरेट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि ईजी चैप्टर है ना, सबसे ईजी चैप्टर है आई थिंक. गांधी जी OP लिख रहे हो, गॉड. गाइज जब तक ये हो रहा है, आई होप एवरी वन हैज गिवन अ थम्स अप टू दिस वीडियो. शेयर करते रहो वीडियो को जिससे और बच्चे भी आके कर पाए. फेवरेट चैप्टर, वाह. चलो गाइज, ये चैप्टर शुरू होता है 1915 से. इस चैप्टर में ना मोस्टली अगर आपको समझ आ गया कि गांधी जी आए तो उन्होंने किस तरीके सबके सत्याग्रह किए, कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया, उसका कॉज क्या था, उसका मेथड क्या था, उसका इफेक्ट क्या था, दोनों में डिफरेंस क्या था, दैट इज इट. दिस चैप्टर इज रैप्ड अप एंड थ्रो इट लाइक अ बॉल, है ना. बस इतना ही तो है, बस हो गया, अगले चैप्टर पे चले. नहीं, हाँ चलो. तो गाइस
जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से वापस लौटते हैं, और वापस आके वो क्या करते हैं, कथक करते हैं नहीं, उन्हें लगता है कि मुझको इंडिया को जानना है, तो वो इंडिया में चारों तरफ जाते हैं एंड ही डज, ऐसी मुझको याद रहता है, एंड ही डज द चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह, तीन तरीके के सत्याग्रह करते हैं, ठीक है। बट ही कम्स ड्यूरिंग अ पीरियड, गाइज इसमें मैं स्लाइड में चेंज करती रहूंगी, ठीक है, यू नीड टू बी अ लिटिल फास्ट फॉर दिस चैप्टर, ठीक है। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो होता है फ्रॉम 1914 टू 1918, गांधी जी आते हैं 1915 में, विच इज राइट स्मैक इन द मिडल ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, इंडिया उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, पर इंडिया को बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, क्योंकि ब्रिटिश पार्टिसिपेट कर रहा होता है ना। अब जब ब्रिटेन वहां पार्टिसिपेट कर रहा है, ब्रिटेन के पैसे खर्च हो रहे हैं, तो ब्रिटेन सोचेगा कि हम इंडिया से पैसे लेते हैं, है ना। तो इंडिया के लोगों पे जो टैक्सेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं, कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज हो जाती है, फूड शॉर्टेजेस होने लगते हैं, फेलियर ऑफ क्रॉप्स भी होने लगते हैं, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ नेचुरल कॉजेज बट बिकॉज ऑफ बैड पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। लूट रहे हो हमें, चूस रहे हो हमें, तो ऑब्वियसली हमारी यही हालत होगी, है ना। एपिडेमिक्स, इन्फ्लुएंजा फैलने लगता है, तो लोगों में जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा है इस टाइम पे, है ना। वी आर फेसिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड वी हैव बिकम हॉस्टाइल टू द ब्रिटिश। तो इस टाइम पे गांधी जी आते हैं एंड एज आई टोल्ड यू, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, ठीक है। इंडिगो वर्कर्स है, मिल वर्कर्स है, इन लोगों की हेल्प करते हैं गांधी जी। तो गांधी जी का नाम काफी पॉपुलर होने लगता है अराउंड इंडिया। अब 1919 में ब्रिटिशर्स ब्रिंग द राउलेट एक्ट। According to the Rowlatt Act, the Britishers could put anyone in jail, put political prisoners in jail without any due trial, है ना। तो obviously जो हमारे सभी political prisoners हैं ऐसे, तो गांधी जी भी हो जाते, है ना। तो सब लोगों ने इसको ब्लैक एक्ट बुलाते हुए बोला कि हम सत्याग्रह करेंगे इसके ऊपर। अब जल्दी बता दो सत्याग्रह क्या होता है, हाँ, खाना है किसी तरीके का, घर है सत्याग्रह, एग्जैक्टली हाँ, आप वो भी लर्न कर सकते हो, 1916-1917 में हुआ, थैंक यू हर्ष। जो सत्याग्रह होता है, सत्य आग्रह, जिसमें गांधी जी के पास दो ही वेपन्स थे, ट्रूथ और नॉन वायलेंस के, इस तरीके के हथियार वो अपने साथ लाए थे जो दुनिया ने आज तक सुने ही नहीं थे, है ना। एंड ही ब्रॉट दिस सत्याग्रह अगेंस्ट द राउलेट एक्ट। फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है। गाइस ये सब बहुत ईजी टॉपिक्स है, मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगी इसमें, है ना। आपको पता ही है जलियांवाला बाग में क्या होता है, मार्शल लॉ इम्पोज किया जाता है बिकॉज ऑफ सर्टेन वायलेंस दैट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द राउलेट एक्ट। अमृतसर में मार्शल लॉ इम्पोज कर देते हैं, मार्शल लॉ को कुछ लोग तोड़ देते हैं, क्योंकि जलियांवाला बाग में दे आर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी वहां पर है, तो जनरल डायर आते हैं, ओपन फायर करते हैं, इससे लोगों में बहुत गुस्सा आ जाता है और अमृतसर की जो सड़कें हैं वो खूनम खून हो जाती है, बिकॉज पीपल आर फाइटिंग द ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स आर रिटेलिएटिंग ब्रूटली, है ना। फिर उसके बाद गांधी जी सोचने लगते हैं, मैं क्या करूं ऐसा कि हिंदू और मुस्लिम्स यूनिफाई हो जाए, है ना। यस एग्जैक्टली, तो वो मार्च 1919 में, यू नो देर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर हैपनिंग, वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी है, तो एक र्यूमर फैलने लगी थी कि जो ब्रिटिशर्स है, जो एलाइड फोर्सेज है, जो विनर्स हैं वॉर के, वो टर्की पे, जो ऑटोमन एम्पायर है उस पर बहुत हार्श ट्रीटी लगाने वाली है। तो इंडियन मुस्लिम्स बड़े गुस्सा हो गए कि खलीफा तो हमारे लीडर है, वैसे ही ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम खफाएं, है ना, तो और ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाता है, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट, सॉरी कमिटी इज फॉर्म्ड इन मार्च 1919। सितंबर 1920 में गांधी जी कांग्रेस के सामने बोलते हैं, लेट अस फॉर्म अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, लेट अस स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट टुगेदर। इस टाइम पे सारे कांग्रेस पीपल डू नॉट एग्री। कुछ लोग होते हैं साउथ में, जैसे जस्टिस पार्टी हो गई, स्वराज पार्टी हो गई, जो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू साथ में करना चाहते थे, ऐसे जो ओल्ड कांग्रेस पीपल थे ना, उनका ये मानना था कि ये मूवमेंट वगैरह नहीं करते, है ना, हम एक अपनी पार्टी बनाते हैं एंड लेट अस ट्राई टू ब्रिंग चेंजेस फ्रॉम विद इन। बट गांधी जी परसिस्टेंट रहते हैं एंड फाइनली इन डिसम्बर 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज अडॉप्टेड बाय कांग्रेस इन नागपुर। क्लियर? यस, हाँ, चलो गाइस कुछ कुछ टॉपिक्स
मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगी, चिंता मत करो, ठीक है। फिर नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिंस इन जनवरी 1921। इस पॉइंट पे आपको याद करना है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो आप बताओगे खिलाफत इशू, राउलेट एक्ट, जलियांवाला बाग। ये थ्री अगर ये क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में आएगा जरूर, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो आप ये तीन टॉपिक्स बोलोगे। फिर आपसे पूछेंगे व्हाट वर द मेथड्स दैट वर यूज्ड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना। तो गांधी जी का मतलब ही क्या था नॉन कोऑपरेशन का? गांधी जी कह रहे थे कि ब्रिटिशर्स हमें इसीलिए रूल कर रहे हैं क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, है ना। हम लोग उनके इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं, हम उनके कपड़े पहन रहे हैं, हम उनको टैक्स दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स मस्त यहाँ पर रूल कर रहे हैं। तो गांधी जी का मेन एम था कि लेट अस स्टॉप कोऑपरेटिंग विद देम, सरेंडर गवर्नमेंट टाइटल्स, स्टॉप गोइंग टू देयर इंस्टीट्यूशंस, बॉयकॉट सिविल सर्विसेज, यू नो, फुल प्रॉपर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर लो। ओ, ये उल्टा हो गया, सॉरी, ठीक है, एग्जैक्टली। तो कुछ डिसएग्रीमेंट्स थे, जैसे मैंने बोला कि कुछ सी आर दास, मोतीलाल नेहरू जी स्वराज पार्टी फॉर्म करना चाह रहे थे, दे वॉन्टेड टू रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, बट नॉन कोऑपरेशन स्टिल बिगैन इन 1921। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ डिड नॉन कोऑपरेशन स्प्रेड, कौन कौन लोग थे जो इस मूवमेंट के हिस्सा बने। तो आप बोलोगे कि मूवमेंट मोस्टली टाउन्स में था, जहाँ पर लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया, बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, टीचर्स रिजाइन कर गई, लॉयर्स ने अपना लीगल प्रैक्टिस दे दिया, यू नो, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ ड्रॉप्ड, फॉरेन क्लॉथ जो है जो इंडिया में काफ़ी बिकता था, लोगों ने वो खरीदना बंद कर दिया, एंड प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप, ठीक है। कंट्री साइड में क्या हुआ, पेजेंट्स जो है, जो फार्मर्स थे, जो पेजेंट्स थे, वो इसलिए परेशान थे कि उनको बहुत हाई टैक्सेस देने पड़ते थे, उनके जो दुश्मन थे वो थे तालुकदार्स और जमींदार्स, तो उनके अगेंस्ट वो यू नो डिमांड करने लग गए कि देखो बेगार को अबॉलिश करो, ये लैंडलॉर्ड्स की छुट्टी करो, इनसे हमें बड़ी परेशानी होती है ना। सो द आउध किसान सभा, गाइस दिस डेट इज इंपॉर्टेंट, अक्टूबर 1920 में आउध किसान सभा जो है हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर्स वाज मेड। ट्राइबल्स भी काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि जो फॉरेस्ट लॉस थे ब्रिटिशर्स के, उसके वजह से ट्राइबल्स वर नॉट एबल टू एक्सेस द फॉरेस्ट लाइक दे यूज टू। प्लांटेशंस में जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 था, इसके हिसाब से द प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट अलाउड टू गो बैक टू द विलेज, तो ऑब्वियसली वो भी दुखी थे कि भैया हम कब तक काम करें, हमें भी अपने घर जाना है ना। तो महात्मा गांधी जी कंटिन्यूड दिस मूवमेंट एंड एवरी वन कंटिन्यूड दिस मूवमेंट फॉर देयर ओन रीजन्स, ठीक है। हाँ, डोंट वरी, आई विल शेयर दिस वीडियो, दिस पीडीएफ, ठीक है। सो 6 जनवरी पुलिस फायरिंग एट पेजेंट्स इन रायबरेली। थोड़ा थोड़े टाइम में हम देखते हैं कि द मूवमेंट गेट्स वायलेंस, स्पेशली इन द विलेजेस, इन द कंट्री साइड, क्योंकि वहाँ तक ना लोगों को समझ नहीं आता कि ये सत्याग्रह किस खेत की मूली है, नहीं समझ आ रहा उनको, ठीक है। फाइनली 1922 द इनफेमस चौरी चौरा वायलेंस, द चौरी चौरा इंस्टेंस टेक्स प्लेस, जहाँ पर मूवमेंट वायलेंट हो जाता है, लोग जो है पुलिस स्टेशन को जला देते हैं, ब्रिटिशर्स भी मर जाते हैं, जिसके वजह से गांधी जी डिसाइड्स टू विदड्रॉ द मूवमेंट। गांधी जी कहते हैं तुम लोगों से नहीं हो पाएगा, तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे हो कि नॉन वायलेंस होता क्या है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ गाइस कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं बीच में नीचे, हाँ, अल्लूरी सीतारमन राजू, नीचे लिखते रहो उनके आंसर्स, ठीक है। ऑल राइट, हाँ, ऑल्सो द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज नॉट वेरी पॉपुलर, क्योंकि गाइस जैसे लोग खादी तो खरीदने लगे, कब यार खादी बड़ा महंगी थी, लोगों ने इंस्टीट्यूशंस तो छोड़ दिए, पर पढ़ाई लिखाई तो करेंगे ना, पढ़ाई लिखाई तो नहीं छोड़ेंगे, आप लोगों की तरह नालायक नहीं पढ़ाई लिखाई छोड़ते, मजाक कर रही हूँ, है ना। तो दे मतलब दे हैड नो अदर ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस टू गो टू, इसीलिए भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी इतना लंबा सस्टेनेबल नहीं रहता, है ना। बट एनीवेज कंटिन्यूइंग, 1928 में आपका गो बैक साइमन मूवमेंट रहा, जो साइमन कमीशन था, इट हैड कम टू इंडिया टू टॉक अबाउट द वर्किंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट हमने बोला गो बैक, क्यों, हमें तो खुश होना चाहिए था, क्यों बोला हमने गो बैक, इसीलिए हमने बोला गो बैक क्योंकि साइमन कमीशन में देयर वाज नो इंडियन, है ना। ये तो ऐसे बात हो गई कि मतलब ऐसे नहीं होता, ठीक है, टाइम नहीं है इतना ज़्यादा डिटेल में जाने का। फिर उसके बाद वी कम टू आफ्टर गो बैक साइनमन, यहाँ पर हम लोग पहले आते हैं आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन मूव, चलो पहले यहाँ आते हैं। फिर दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज इज फॉर्मलाइज्ड, पूर्ण स्वराज जो है, जल्दी से बता दो कौन से कांग्रेस सेशन में पूर्ण स्वराज इज डिक्लेयर्ड, कहाँ होता है ये कांग्रेस सेशन जहाँ पूर्ण स्वराज इज डिक्लेयर्ड,
जल्दी से बता दो, ठीक है? ऑल द पार्ट आई टोल्ड यू विच पार्ट ऑफ द चैप्टर इज इंपॉर्टेंट. लाहौर, लाहौर, यस. पूर्ण स्वराज वॉज फाइनली डिक्लेयर्ड एंड 26 जनवरी 1930 जो है इट इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे. बट ऑब्वियसली हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली है, ऐसी बस मतलब लोगों को और खुश करने के लिए कर दिया, ठीक है. अब हम आते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट मूवमेंट पे. गाइज रिमेंबर इस चैप्टर में आपको बस यही रटना है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कॉज क्या था, मेथड क्या था, स्प्रेड क्या था, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. तो 31 जनवरी 1930 में गांधी जी सेंट अ लेटर टू वाइसराय अर्विन स्टेटिंग 11 डिमांड्स, और बोला कि देखो अगर 11 डिमांड्स पूरी नहीं की तो 12 मार्च से मैं चल दूंगा और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दूंगा. इनमें से एक डिमांड थी सॉल्ट डिमांड, कि सॉल्ट टैक्स जो है उसको हटाया जाए, ठीक है. सो 12 मार्च 1930 को सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च या डांडी सत्याग्रह स्टार्टेड. 6 अप्रैल सॉल्ट मार्च एंडेड. इस थोड़ा सा जल्दी जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं. अप्रैल 1990, अब क्या हुआ, जब सॉल्ट मार्च एंड किया तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गया. कहाँ से कहाँ था जल्दी से बता दो मुझे आपका ये सॉल्ट मार्च इन द चैट बॉक्स, ऐसे ही जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है. हाँ, तो महात्मा, अब क्या हुआ कि जब अब्दुल गफर खान अरेस्ट हुए तो मूवमेंट थोड़ा वायलेंट होने लगा. महात्मा गांधी जी अरेस्ट हो गए तो लोग तो बिल्कुल ही, उनका दिमाग फिर गया एंड पीपल केम ऑन द रोड्स. एंड फाइनली गांधी जी डिड नॉट वांट दैट टू हैपन. सो गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें गांधी जी कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड उन्होंने बोला कि देखो प्लीज रिलीज ऑल पोलिटिकल प्रिजनर्स. बट क्या सारे पोलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया गया, हाँ या ना? साबरमती टू डांडी, करेक्ट. डिड दे रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स? क्या ब्रिटिशर्स दूध के धुले थे या खून के धुले थे? हाँ, नहीं, उन्होंने हमको धोखा दिया है ना. दे सेड वी विल रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स बट दे डिड नॉट डू दैट. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंप्लीटली, मतलब ही शुड, गांधी जी शुड नॉट हैव कॉल्ड इट. बट चलो अब हम क्या बोले, मतलब काफ़ी उन्होंने हमारे लिए किया है तो ऐसे बुराइयाँ नहीं निकालनी चाहिए, है ना. 23 मार्च 1931 भगिए इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वर सेंटेंस टू जेल. अब ये सब हो जाता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस से भी लॉन्च करने की पूरी कोशिश की जाती है. हाउएवर इट डज नॉट गेन मोमेंटम, क्योंकि तब तक यू नो इट डज नॉट गेन एज मच मोमेंटम, ठीक है. अब ये इंपॉर्टेंट है पूना पैक्ट का, गाइस 26 सितंबर 1932, क्योंकि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ना, इस टाइम तक जो लोअर कास्ट पीपल है, जो दलित क्लास है, वो थोड़ी एलियनेटेड फील करने लग गई थी कांग्रेस से. जो लोअर कास्ट है उन्हें लगने लग गया था कि ये जो कांग्रेस है इसमें तो सब अपर कास्ट है, सब ब्राह्मण से है ना, तो हमारा इंटरेस्ट कौन देखेगा, कौन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हटाएगा. गांधी जी ने काफ़ी कोशिश की, खुद टॉयलेट भी क्लीन किया, ये सब काफ़ी हुआ. बट लोग यू नो दलित्स वर क्वाइट ऑब्वियसली, उन्हें लगा कि देश आज़ाद हो जाएगा पर हम आज़ाद नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा कि हमको तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए. गांधी जी ने कहा कि मैं देश को टूटने नहीं दूंगा, सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं दूंगा. तो फाइनली उन्होंने फास्ट रखा, निर्जल व्रत रख लिया गांधी जी ने. फिर अम्बेडकर जी आए, बोले ठीक है भैया इतना ड्रामा मत करो. एंड गांधी जी और अम्बेडकर ने पूना पैक्ट साइन किया. पूना पैक्ट क्या था, पूना पैक्ट क्या था जल्दी से बता दो. अंडर द पूना पैक्ट बोथ इट वॉज डिसाइडेड दैट मुस्लिम, सॉरी द लोअर कास्ट विल गेट रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब सब लोग वोट करेंगे बट जो लीडर होगा जैसे आजकल होता है वो दलित होगा, ठीक है, ठीक है. ऑल राइट, तो गाइज अगेन ये सब मैं आपको दे दूंगी एज योर PDF. दैट इज द बेसिस ऑफ द, अच्छा अगर आपसे कोई पूछे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने किन किन ने पार्टिसिपेट किया, तो वुमेन ऑल्सो आप कह सकते हो प्लेड अ मेजर रोल इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में नहीं था. पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मुस्लिम्स का बहुत बड़ा रोल था. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक आते आते मुस्लिम्स डिड नॉट फील क्लोज टू द कांग्रेस, और फिर वो मुस्लिम लीग आ जाती है, वो सब भी होने लगता है, ठीक है. Clear? Yes? Can we go to the questions and then we can go to the V-quiz? I hope all of you are ready. ठीक है? All right. 5 markers से शुरू करते हैं. Explain the meaning and notion of Swaraj as perceived by the plantation workers. How did they respond to the call of the non-cooperation movement? Difference between Pune Pact or Arvind Pact उतना ही difference है जितना पराठा और इडली सांभर में difference है, है ना. पराठा अलग है, इडली सांभर अलग है, अरविंद और गांधी जी का पैक्ट अलग है. वो कह रहे हैं हम सिविल डिसोबीडियंस अब नहीं कर हटा देंगे, हम लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज कर लेंगे. पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, ये कैसे प्रश्न हो गया, कुछ भी पूछ रहे हो आप मुझसे, हाँ
जल्दी से बता दो कौन सा एक्ट था जिसमें प्लांटेशन वर्कर्स काफी परेशान थे. इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट. थैंक यू निकिता. कुछ तो कोई तो बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पर, है ना. इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट. तो जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट है 1859 का, उसके हिसाब से प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट अलाउड टू गो बैक होम एंड दे वर पेड वेरी लिटिल फॉर ऑल द वर्क दैट दे डिड. और परमिशन उन्हें दिया ही नहीं जाता था. तो उन्होंने जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया, तो उन्होंने कहा ये मौका है, मौके पे चौका. और उन्होंने कहा कि हम काम ही नहीं करेंगे, हम तो नॉन कोऑपरेट कर रहे हैं. सो दे लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम. दे बिलीव कि अब तो गांधी जी राज करेंगे और गांधी जी के राज में राम राज्य की तरह सब अच्छा ही होगा. हाउएवर अनफॉर्चुनेटली उनको रोक लिया जाता है, बहुत पीटा जाता है, बड़ा ही बुरा होता है उनके साथ, है ना. ऐसा ना वो RRR मूवी है ना, ऐसा फीलिंग आती है व्हेन यू स्टडी दिस. ओके गाइज, नाउ वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप बेस्ड क्वेश्चन. आई हैव रिमूव्ड माई सेल्फ फ्रॉम द स्क्रीन. यू विल टेल मी द आंसर इन द चैट बॉक्स. ठीक है, ए बी सी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मार्क्ड है. मैं बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है. जल्दी से बता दो द प्लेस वेयर कॉटन मिल्क वर्कर्स ऑर्गेनाइज सत्याग्रह. वॉट इज ए? खा गई मैं अंकना मैम को, वापस से वो क्वेश्चन पूछ रहे हो, पढ़ाई कर लो फिर बताऊंगी. ए, वॉट इज ए? अहमदाबाद. ए इज अहमदाबाद, ए फॉर अहमदाबाद. मतलब आंसर में ही हिंट है. हाँ, अहमदाबाद इज करेक्ट. ठीक है, ऑल राइट. वॉट इज बी? वेयर प्लेस वेयर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ. मतलब मैप की जरूरत ही नहीं है, इफ यू नो द आंसर तो मैप यू कैन इजिली डू. हाँ रुषि, करूंगी, आई विल डू इन द नेक्स्ट टू वीक्स, डोंट वरी. चौरी चौरा इज करेक्ट, चौरी चौरा इज करेक्ट. तो ये जो है ये चौरी चौरा है, है ना, इतना अच्छा नाम है, चौरी चौरा. एनीवेज, द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड, ये क्या है? ये गोरखपुर है. गोरखपुर दिख रहा है आपको? हाँ, अलग ही टाइप के बादाम खा रहे हो आप. कैलकटा है ये, कैलकटा है. क्या हो रहा है? हाँ कैलकटा है, बिल्कुल सही बोले. ऑलराइट, टू मार्कर. Why did Mahatma Gandhi decide to withdraw the non-cooperation movement in 1922? Very quickly in the chat box. Why did he decide to withdraw? क्या हो गया था महात्मा गांधी जी को? अभी अभी हमने पढ़ा. You will talk about the Chauri Chaura movement where on the 5th of February 1922, police fired at the people. Retaliation में हमने police station जला दिया. Violent हो गया. गांधी जी गुस्सा हो गए. ठीक है? अब, before we go to civics, let us very quickly do 2-3 questions of the week quiz. तो week quiz कैसे जाना है guys? बड़ा ही आसान है. You go to www.weekquiz.in, put in the code 226795. जल्दी से आ जाओ. हाँ, आ जाओ. चौरी चौरा proper training of सत्या. Good Bhargav. That is also a good way to write the answer. अच्छा चिनानी, सही बोले फिर. सॉरी, सही बोले. चौरा चौरी चौरा इन गोरखपुर. वेरी गुड, मेरी गलती. नो वन इज वीक इन हिस्ट्री. हिस्ट्री में वीक कैसे हो सकते हैं? एक ही कहानी है, एक दुश्मन होगा, है ना. लोग जो है एकजुट हो गए, उस दुश्मन से लड़ाई करेंगे, उस दुश्मन को भगा देंगे, फिर लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, तो उसके लिए वो लोग नेशनल सिंबल्स, नेशनल लैंग्वेज, ऐसा टाइप चीज़ करेंगे. यही स्टोरी है जो इटली में भी चल रही थी, जर्मनी में भी चल रहा था, इंडिया में भी चल रहा है. तो इसमें वीक क्या होना? बस यू नो, नाम, स्टोरी, डेट्स, ये सभी तो याद करनी है ना. वाह, कुछ बच्चे तो अलग ही लिख. थैंक यू भेताल. शुरू करें. वेट. ओके, आई विल वेट. अनेबल टू ज्वाइन? व्हाई? लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्लिक ऑन इट एंड ज्वाइन. सही बोले. चलो, आई एम गोना स्टार्ट इन 5, 4, 3, 2 एंड 1. सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने गाइज. वन मार्कर ऐसे एग्जाम में आएंगे आपके, तो उस तरीके से कर रहे हैं हम लोग. द आइडियाज ऑफ ला पात्री मीन्स मदरलैंड, फादरलैंड, सिटीजन या मोनार्की. फ्रांस में यूज हुआ था ये आइडिया, तो क्या था ये?
यस द आंसर इज फादरलैंड. फादरलैंड बिल्कुल सही बोला. जिसने मदरलैंड लिखा वो इंडिया में ही फंसा है. भारत माता इंडिया में गई. फादरलैंड है फ्रांस. तेजस सानवी इप्सिता अभिनव नीव प्रियांशु सुमित आर्घा यक्षित एंड ईशांत राइट नाउ ऑन टॉप. क्वेश्चन नंबर टू इज डैश रेजीम्स इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल वॉट वॉज सेड इन न्यूज पेपर्स बुक्स सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम. एक ऐसा रेजीम था जो बहुत सेंसरशिप करता था, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देता था, लिबर्टी ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता था. काफ़ी आसान है, लड्डू क्वेश्चन है ये. लड्डू क्वेश्चन है मतलब आँख बंद करके आपको बता देना चाहिए. कॉन्जर्वेटिव्स गाइस लिबरल्स तो नहीं कर सकते ना. लिबरल्स आप चाहो भी तब भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि लिबरलिज्म मींस फ्रीडम है ना. लिबर का मतलब ही होता है फ्री. फिर कभी कभी ना जल्दी जल्दी आंसर मत दो, लेट आंसर दो बट सही आंसर दो. तेजस ईशांत निष्कर्ष अभिनव व्यक्षित अग्रा परश्वी अनन्या राजश्रीय निहारिका ऑन टॉप. सही सही बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर थ्री इज अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, लाल नेहरू होना चाहिए, द लाहौर कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 क्या डिमांड की उन्होंने. अभी अभी हमने इस बारे में बात की थी. एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द दलित्स. बता दो ए बी, ए या बी गाइस. मतलब बहुत ही आसान है ये गलती मत करना. पता है आपको 1930 जनवरी को पूर्ण स्वराज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो एक साल पहले उसकी डिमांड की गई थी. मतलब डिमांड मतलब दे पास द रेजोल्यूशन है ना. अब हम सिविक्स करेंगे बस इसके बाद है ना. तेजस निष्कर्ष प्रखर ऑन टॉप राइट नाउ. वील डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी आर गोना गो टू सिविक्स. ऑलराइट, द साइमन कमीशन वॉज बॉयकॉटेड बिकॉज there was no boy in it and no cot in it, so they did it. Anyways, there was no British member in the commission. It demanded separate electorates for Hindus and Muslims. There was no Indian member in the commission. It favored the Muslims over the Hindus. Yes, because गाइज ये कौन है ये बच्चा. 24 बच्चे, मैं चाहती हूँ एक भी बच्चा गलत जवाब ना दे. अगर ब्रिटिश मेंबर नहीं होता तो हम खुश होते ना, हम तो होली बना रहे होते हैं, हम उनको रंगों से उनका स्वागत कर रहे होते. बट प्रॉब्लम क्या थी, देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, दैट वाज द प्रॉब्लम. ठीक है, ऑल राइट. तो गाइज अभी हम लीडर बोर्ड यहीं रोकने वाले हैं. तेजस भूमि और निष्कर्ष अभी ऊपर है लीडर बोर्ड के एंड हम वापस जाने वाले हैं सिविक्स पे. ठीक है, चलो जल्दी से आ जाओ वापस से पढ़ाई करने के लिए. कौन कौन रेडी है, कौन कौन बोल रहा था कि हम पूरी रात पढ़ेंगे. कितने लोगों में अभी तक दम है बता दो मुझको. मैम 20 सेकंड करवा दूंगी, चिंता मत करो, करवा दूंगी. हाँ दम है अभी तक. कुछ बच्चे आए हैं अभी बीच में कि हम बीच में आ रहे हैं मैम, खा पी के आ रहे हैं खाना. चलो कोई बात नहीं. चलो नाउ गाइस वेरी क्विकली पावर शेयरिंग. सिविक्स तो बिल्कुल ही लड्डू है, कुछ है ही नहीं सिविक्स में, लॉजिक ही लॉजिक है. तो हम बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं. तो पावर शेयरिंग में हम दो कंट्रीज के एग्जांपल्स लेते हैं. एक है बेल्जियम, बहुत ही टेस्टी चॉकलेट्स होती है बेल्जियम की. मैं तो कभी नहीं गई पर अभी एनीवेज स्टोरी इज लेटर. बेल्जियम और श्रीलंका. ठीक है, तो बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम थी. बेल्जियम का ज्योग्राफी ऐसा है, ये क्वेश्चन वन मार्कर में आ सकता है गाइस, कि बेल्जियम एज अ कंट्री शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद होम है ना. तो यू हैव टू शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद नीदरलैंड फ्रांस एंड जर्मनी. फिर यू कैन टॉक अबाउट हाउ इट इज वेरी स्मॉल, जहाँ पर 59% स्पीक डच, 40% स्पीक फ्रेंच, 1% स्पीक जर्मन. सो मेजॉरिटी जो है वो डच स्पीकिंग लोग है कंट्री में. बट जो ब्रसल्स है, जो कैपिटल है बेल्जियम का, वहाँ पर मेजॉरिटी इज फ्रेंच स्पीकिंग पीपल. तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है किसी भी कंट्री में जब दो तीन ऐसे कम्युनिटीज होते हैं, देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग द अदर है ना. होता ही है ये.
राइट तो अब बेल्जियम में था कि फ्रांस जो फ्रेंच पीपल जो है वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड थे, काफ़ी रिच थे, है ना, और जो डच पीपल थे दे डिड नॉट गेट द सेम, मतलब दे वर नॉट एबल टू गेन एज मच लेट्स से यू नो वेल्थ एज द फ्रेंच, तो उनमें रिजेंटमेंट थी थोड़ी फ्रेंच के अगेंस्ट. तो इस सिचुएशन में बेल्जियम क्या करता, क्या उसने किया, ठीक है, तो पहले वो कर लेते हैं बेल्जियम ने क्या किया. तो बेल्जियम ने डिसाइड किया कि हम एकोमोडेशन करेंगे, हम सब साथ मिलकर चलेंगे, है ना. तो गाइज ये वाले आप पॉइंट्स पढ़ लो, बस चैप्टर हो गया. ये वाले माइंड मैप कर लोगे ना तो आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं होगी. तो सबसे पहले इट वॉज डिसाइडेड कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी उसमें इक्वल नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे, चाहे कुछ भी हो, मतलब इवन दो इन द कंट्री डच स्पीकिंग पीपल आर हायर, डिस्पाइट दैट इक्वल पीपल स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे, है ना. फिर इट वॉज स्पेशल लॉज वर इनैक्टेड दैट सेड दैट टू बिकम एक्ट्स, हाँ अगर किसी लैंग्वेज रिलेटेड कोई इशू होगा तो अ स्पेशल लॉ हैज़ टू बी पास फॉर दैट, जिसमें मेजॉरिटी होनी चाहिए दोनों लैंग्वेज कम्युनिटीज़ की, ठीक है. फिर स्टेट गवर्नमेंट वर नॉट मेड सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. फिर सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई ब्रसल्स में, जहाँ पर अगेन दोनों इक्वल मिनिस्टर्स होंगे कैपिटल में भी. एंड आफ्टर दैट, ये थोड़ा लोगों को कन्फ्यूजिंग लगता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट. कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब जो डच स्पीकिंग है उसकी अपनी एक गवर्नमेंट होगी, जो फ्रेंच स्पीकिंग है उसकी एक गवर्नमेंट होगी, है ना. ऐसा क्यों किया गया, सो दैट कुछ इश्यूज होते हैं जो लैंग्वेज रिलेटेड होते हैं, एजुकेशन रिलेटेड होते हैं, कल्चर रिलेटेड होते हैं, ऐसे इशूज पे ये वाली गवर्नमेंट डिसीशंस लेगी. हाँ भैया भेज दूंगी माइंड मैप, आपकी जेब में होगा, चिंता मत करो, आई टेल यू. समझ गए, आसान है, लड्डू है, ठीक है. ये किया आपके बेल्जियम ने. अब श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में टोटली ऑपोजिट हुआ. श्रीलंका में जो है एथनिक कॉम्पोजिशन ऐसी थी कि मेजॉरिटी सिन्हालीज पॉपुलेशन थी, 18% तमिल स्पीकिंग लोग थे और बाकी थे श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स भी थे, ठीक है. वहाँ पर जो सिन्हाली स्पीकिंग पीपल थे उन्होंने मेजॉरिटी एकोमोडेशन नहीं किया, उन्होंने क्या किया, मेजॉरिटेरियनिज्म. मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है कि हम तो मेजॉरिटी में हैं, हम देश चलाएंगे, तुम बताओ क्या करोगे, जैसा हमारा मन होगा वी विल. मेजॉरिटेरियनिज्म इज अ थॉट, इज एन आइडियोलॉजी वेयर द मेजॉरिटी थिंक्स दैट दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी. सही बोली में, है ना. तो यहाँ पर क्या हुआ कि यू नो द 1956 में ये एक्ट पास किया गया जहाँ पर सिन्हालीज वॉज मेड द नेशनल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका. और तमिल्स में फिर ऑब्वियसली एलियनेशन होने लगा. एलियनेशन मतलब अपने ही देश से वो दूर होने लगे, दे कुड नॉट कनेक्ट टू द कंट्री, टेररिज्म शुरू हो गया, LTTE और वो सब आ जाता है, ठीक है. अब श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म हुआ. अब गाइस ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल. अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसके दो रीजंस है, प्रूडेंशियल और मॉरल. प्रूडेंशियल मतलब प्रैक्टिकल रीजंस और मॉरल रीजंस, ठीक है. नाउ प्रैक्टिकल प्रूडेंशियल रीजंस क्या है कि अगर हम लोग नहीं करेंगे शेयर पावर, अगर हम पूरा का पूरा न्यूटेला का चॉकलेट सिर्फ अपने पास रखेंगे तो इससे कॉन्फ्लिक्ट होगी, लोगों में लड़ाई होगी. अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, ना आपका अच्छा होगा ना मेरा अच्छा होगा, है ना. तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट लेड टू वायलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. सेकेंड, पावर शेयरिंग से क्या होता है कि मेजॉरिटी इज नॉट एबल टू डोमिनेट द माइनॉरिटी, है ना, ये नहीं होता. एंड वाई नो ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर शेयरिंग ऑफ, मतलब नो वन ग्रुप कैन सबवर्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी, ठीक है. मॉरल रीजंस क्या है, मॉरल मतलब कि यू नो मॉरली सही है ये करना, क्योंकि व्हेन यू टॉक अबाउट डेमोक्रेसी द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट एवरीवन गेट्स एन इक्वल से इन द डिसीशन मेकिंग, एंड पावर शेयरिंग इंश्योर्स दैट कि सबको जो है डिसीशन मेकिंग में चांस मिले, कोई माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को डिसमिस ना किया जाए, सिटीजन पार्टिसिपेशन हो, राइट. मॉरल रीजंस मेक पावर शेयरिंग एसेंशियल एंड वैल्यूएबल. सबको चॉकलेट चाहिए, आई नो सबको चॉकलेट चाहिए. हो गया गाइस ये चैप्टर, लड्डू चैप्टर है ना. चलो गाइस 5 मार्कर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, 3 मार्कर पे चलते हैं. डू यू थिंक दैट द स्टेप्स टेकन बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ सिन्हालाज वर जस्टिफाइड टू बी लॉन्ग लास्टिंग. ये आपका बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन है, गिव योर व्यू पॉइंट, बता दो.
डू यू येस और नो ये बता दो, डू यू थिंक दैट द स्टेप्स टेकन बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ द सिन्हालाज वर जस्टिफाइड टू बी लॉन्ग लास्टिंग? क्वेश्चन का मतलब है कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने किया क्या वो लॉन्ग लास्टिंग था, क्या उससे पीस बना रहता? ऑब्वियसली नहीं बना रहता, है ना, क्योंकि वो माइनॉरिटी ग्रुप के इंटरेस्ट के अगेंस्ट था, उनको बेसिक राइट्स भी नहीं दी गई, मतलब लैंग्वेज राइट्स तो बेसिक राइट्स है ना कि भैया अपना लैंग्वेज बोल पाओ आप, तो उनको बेसिक राइट्स भी नहीं दी गई। डिस्क्रिमिनेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज, वो डिमांड करते रहे और उनके डिमांड को रिपीटेडली इग्नोर किया गया, उसके वजह से एलियनेशन बढ़ा, डिस्ट्रस्ट बढ़ा और फाइनली यू नो सिविल वॉर हो गई श्रीलंका में। ठीक है, ईजी राइट। टू मार्कर, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। गाइस जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, जस्टिफाई करो, है ना, तो आपको क्या करना है, तो आपको ये वर्ड्स देखने हैं। पहले आप बोलोगे कि पावर शेयरिंग का क्या मतलब है, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, उसको हम कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी आपको पता है ये क्या होता है, दैट एवरीवन टेक्स पार्ट इन द गवर्नमेंट इन द डिसीजन मेकिंग, और पावर शेयरिंग वही होता है ना कि पावर शेयरिंग हेल्प्स इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज इट इंश्योर्स दैट एवरीवन गेट्स अ से इन द डिसीजन मेकिंग, दैट देयर इज नो ग्रुप दैट इज डिस्क्रिमिनेटेड, मेजॉरिटी इज नॉट एबल टू डिसमिस द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी, और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता सोशल ग्रुप्स में। सिंपल, यस, हाँ, इट स्टॉप्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। यही तो है मॉरल रीजन। मॉरल रीजन है कि हमको सबको साथ में रहना चाहिए, खुशी खुश, हम सब साथ हैं, बस ये मॉरल रीजन है। ऑल राइट, एक घंटा तीन चैप्टर्स है, राम हो पाएगा गाइस ये वाला चैप्टर, फिर वीक इस पे जाएंगे। फेडरलिज्म, इसमें भी कुछ खास नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, मतलब ये सिविक्स के चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट ईजी है, इंग्लिश मुश्किल है ना, लैंग्वेज मुश्किल है, रटना मुश्किल है। तो मैं ये कहूँगी कि सिविक्स में ना थोड़ा रटना थोड़ा टाइम पहले शुरू करो। रटना क्यों वर्ड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि समझा तो मैं दूंगी, है ना, बट आंसर आप तभी लिख पाओगे अगर आपकी आपको वो इंग्लिश लैंग्वेज जो यूज़ की गई है वो अच्छी तरह समझ आ जाती है। ठीक है, क्लियर, चलो, ऑल राइट, आई एम डूइंग गुड। नाउ फेडरलिज्म में हमने देखा कि दो टाइप का फेडरलिज्म होता है, यूनियन एंड फेडरल गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट होता है व्हेन यू हैव वन गवर्नमेंट एट द सेंटर जिसपे सारी पावर होती है, है ना, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता, यू हैव वन गवर्नमेंट दैट हैज ऑल द पावर, राइट। द एग्जाम्पल इज यूके, इटली एंड पोर्चुगल। फेडरल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिस जो ये आप तो सिक्स स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो, है ना, जिसमें पावर जो है वो एक जगह नहीं बट डिवाइडेड होती है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स। जैसे इंडिया में वी हैव थ्री लेवल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल लेवल गवर्नमेंट, है ना। तो यहाँ पर जो सेंट्रल तो एग्जाम्पल हो गया आपका इंडिया, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया। स्टेट गवर्नमेंट चेला नहीं होती सेंट्रल गवर्नमेंट का, दे आर नॉट इन्फीरियर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे कैन ऑल्सो मेक देयर ओन डिसीजंस। ठीक है, नाउ टू रूट्स थ्रू विच फेडरलिज्म कैन बी फॉर्म्ड, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या होता है, हम आ जाते हैं सब साथ, है ना। तो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो भी स्टेट्स थे, 50 स्टेट्स है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, सब ने डिसाइड किया कि अगर हम लोग साथ होंगे तो हम वर्ल्ड में ज़्यादा पावरफुल होंगे, सो दे डिसाइडेड टू कम टुगेदर। बट जब साथ आओगे तो बोलोगे ना कि भैया हम साथ आ रहे हैं लेकिन अपनी अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ रहे, है ना। सो दे केम टुगेदर बट दे रिटेन्ड देयर आइडेंटिटी, दे रिटेन्ड देयर सॉवरेनिटी, मतलब स्टेट्स वहां काफी पावरफुल होते हैं, ठीक है, बट दे डिसाइडेड टू कम टुगेदर टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। समझ गए, हाँ। होल्डिंग टुगेदर जिसका एग्जाम्पल इंडिया भी है वो ये है कि एज अ लार्ज कंट्री हमको लगता है पूरे देश को सिर्फ दिल्ली से रूल करना बड़ा मुश्किल है, है ना। दिल्ली में जो बैठा है उसको नहीं समझ आएगा कि कन्याकुमारी के एक गांव में प्रॉब्लम क्या है एक फिशरमैन को। इसीलिए हमने क्या किया कि इंडिया जैसे कंट्री में वी हैव डिवाइडेड पावर बिटवीन द नेशनल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। जो होल्डिंग टुगेदर यू नो फेडरलिज्म होता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट से। तो इंडिया, बेल्जियम, स्पेन आर एग्जाम्पल्स, क्लियर, यस, ऑल राइट। फिर हमने देखा कि कैसे लेजिस्लेटिव पास यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में डिवाइड होते हैं। जो सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट पे होते हैं उस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, जैसे आपका रेलवेज हो गया, यू नो क्या कहते हैं उसको, डिफेंस हो गया। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है उस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, ठीक है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, पुलिस हो गया।
कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है, पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ में, तो इट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ दैट विल प्रिवेल, क्योंकि हम लोगों के यहाँ होल्डिंग टुगेदर यू नो फेडरलिज्म में सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ लिटिल मोर पावरफुल. क्लियर. All right, 5-marker question. The creation of linguistic states was the first and major test of democratic politics in our country. Justify the statement. यो बोल दो चैट बॉक्स में अगर आपको लगता है आप आंसर कर सकते हो. नो इफ यू लाइक मैम थोड़ा कंफ्यूज हो गया अंग्रेजी से. यस दैट इज क्लियर सॉफ्टनेल, दैट इज गुड. अंग्रेजी काफी आसान है. क्वेश्चन ये पूछ रहा है लिंग्विस्टिक मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, है ना. तो जब हमने डिसाइड किया कि हम इंडिया के स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, तो वो हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा टेस्ट था. गाइज याद रखो, यू नो अभी तक हमने यूरोप में पढ़ा कि जब फ्रांस बना तो उन्होंने फ्रेंच इम्पोज किया लोगों पे, ठीक है. जब इटली बना इटालियन इम्पोज किया, तो हर जगह इम्पोज किया जा रहा. ब्रिटेन बना तो स्कॉटलैंड भाड़ में जाए, आयरलैंड भाड़ में जाए, उनका लैंग्वेज भाड़ में जाए, इंग्लिश इम्पोज किया गया. पर इंडिया में हमने ये नहीं किया. इंडिया में हमने स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड किया, हमने एक लैंग्वेज इम्पोज नहीं किया. दैट इज वाई इंडिया इज यूनिक इन द वर्ल्ड, है ना. एनीवेज वापस आ जाते हैं. तो जब हमने डिवाइड किया तो लोगों में काफ़ी डर था. यू नो पीपल वर स्केड, स्पेशली आर लीडर्स वर स्केड दैट इफ वी डिवाइड आर बाउंड्रीज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज देन इट कुड डिवाइड आर कंट्री, है ना. कुछ स्टेट्स जैसे नागालैंड थे, दे वर नॉट बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ज्योग्राफी एंड एथनिसिटी. तो लोगों में काफी पीपल रेजिस्टेड बिकॉज दे थॉट दैट इट विल लीड टू मोर कॉन्फ्लिक्ट इन द कंट्री. ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, मैं एडिट करूंगी इस आंसर को. बट व्हेन इट वाज डन, दिस प्रोसेस वाज डन इन सच अ स्मूथ मैनर दैट इट एंड देयर वाज नो डिसयूनिटी. लोग और खुश हुए, लोग और एकजुट हुए, क्योंकि वी वर यू नो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो कॉन्सेप्ट है यही तो है. बिकॉज वी अलाउड पीपल टू स्पीक देयर ओन लैंग्वेज एंड सेलिब्रेट देयर ओन कल्चर. तो द फ्रेमिंग ऑफ द लैंग्वेज पॉलिसी जो है, जैसे कुछ बच्चों ने चैट बॉक्स में बोला कि लैंग्वेज पॉलिसी थी जिसमें वी डिड नॉट इम्पोज वन लैंग्वेज, वी सेड दैट देर बी नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज ऑन देम, ठीक है. ऑल राइट, नेक्स्ट. विच पॉलिसीज हैव स्ट्रेंथेंड फेडरलिज्म इन इंडिया. तीन पॉलिसीज है, जल्दी से बता दो. थ्री पॉलिसीज हैव स्ट्रेंथेंड फेडरलिज्म इन इंडिया, कौन से हैं. अरे आर यू ज्योग्राफी पे बच्चा, चिंता मत करो. रेसिडुअल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट सेम होता है, ठीक है. ठीक है, हाँ. पॉलिसीज दैट हैव स्ट्रेंथन फेडरलिज्म इन इंडिया, जैसे वन ऑफ यू सेड लैंग्वेज पॉलिसी, एग्जैक्टली करेक्ट अदिति. लैंग्वेज पॉलिसी हो गए, लिंग्विस्टिक स्टेट्स हो गए, क्लास 10 सही बोला. लिंग्विस्टिक स्टेट्स की इंडिपेंडेंस के बाद वी डिवाइडेड स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज पॉलिसी, वी डू नॉट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज. सेंटर स्टेट रिलेशंस वेयर पावर इज प्रॉपरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. राइट डाउन द फीचर्स ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म फेडरेशन. गाइस ये मैंने समझा दिया था, यू विल टॉक अबाउट हाउ दे कम टुगेदर, इंक्रीज सिक्योरिटी बट रिटेन देयर आइडेंटिटी, ठीक है. अब लेट्स गो टू वी क्विज. बट वी क्विज से जाने से पहले क्विज कर लेते हैं, रिडल कर लेते हैं. दिस एंशियंट इन्वेंशन अलाउज पीपल टू सी थ्रू वॉल्स, व्हाट इज इट. पता नहीं सैयद, आपको ही पता होगा. लैंग्वेज पॉलिसी निवेता बहुत आसान है. वी डिड नॉट इम्पोज हिंदी और इंग्लिश, है ना. वॉट डिड वी डू, वी सेड देयर इज नो लैंग्वेज, एवरी वन कैन स्पीक देयर ओन लैंग्वेज इन द स्टेट. उस स्टेट के गवर्नमेंट उस लैंग्वेज में अपना ऑफिशियल काम करेगी, ठीक है. विंडो इज एब्सोल्यूटली करेक्ट, विंडो इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. अब इकोनॉमिक्स पे जाने, अब गाइस जो लोग ज्योग्राफी मांग रहे थे, अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक्स आ गया है. कोई बात नहीं, जल्दी से हो जाएगा इकोनॉमिक्स. तो वी आर गोना स्टार्ट इन 10 seconds, जल्दी से आ जाओ. कम सेंटर स्टेट रिलेशंस अनुप्रिया, बस इतना ही है कि जो सेंटर स्टेट रिलेशंस है उसमें द सेंटर डज नॉट इम्पोज इट्स यू नो इम्पोज एनीथिंग ऑन द स्टेट, है ना. तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना लॉज बना सकती है, सेंटर गवर्नमेंट अपना लॉज बना सकती है. दैट इज सेंटर स्टेट. दिस बैटल इज बैटल, हे भगवान, बॉटल. चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी is associated with. ये economics का question आ गया है भगवान.
primary sector, secondary sector, tertiary sector or none of the above. गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं. दो questions करेंगे, शायद civics का बाद में डाल दिया है, कोई बात नहीं. बता दो, पता चल जाएगा कितने पानी में हो और कितना ऊपर हो. क्यों? यस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी काफी ऊपर हो, गुड जॉब. टर्शरी सेक्टर होता है जिसको अब हम लोग रिवाइज करेंगे. तेजस, भूमि, यक्ष, प्रखर, निवा, प्रियाल, निष्कर्ष, अभिनव, आर्घा एंड यक्षित ऑन टॉप. एक और क्वेश्चन करते हैं जो मुझे लग रहा है इकोनॉमिक्स का ही होगा. हाँ, मतलब सिविक्स किया प्रैक्टिस और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आ गए. इससे बड़ा बोर्ड का क्या प्रिपरेशन चाहिए आपको? अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन पीपल डू नॉट वांट टू वर्क, आर वर्किंग इन अ लेजी मैनर, आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर केपेबल ऑफ, आर नॉट पेड फॉर देयर वर्क. Yes, they are working less than what they are capable of. Example दो अभी मुझे चैट बॉक्स में अंडर एम्प्लॉयमेंट का. कौन से फील्ड में हम सबसे ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट देखते हैं, जल्दी से बता दो. आइंग अगला क्यों नहीं जा रहा? हाँ, प्राइमरी ऑब्वियसली, बट हाँ एग्रीकल्चर मोस्टली, फार्मिंग में हम देखते हैं. तो गाइस हम अगले क्वेश्चन पे नहीं जा रहे, ठीक है? हम जल्दी से इकोनॉमिक्स वाला और ज्योग्राफी वाला करते हैं, देन वी विल डू द रेस्ट ऑफ द वीक क्विज, पक्का, ठीक है? क्योंकि मुझे नहीं पता आगे के क्वेश्चन कैसे मिक्स्ड अप है. ऑल राइट, नाउ डेवलपमेंट, क्विकली गिव मी अ यो इन द चैट बॉक्स इफ यू फाइंड डेवलपमेंट द इजिएस्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ. मतलब हिस्ट्री पढ़ के तो लगता है कि क्या ही था डेवलपमेंट. गाइज जर्मेनिया और मारियान, गाइज थोड़ा डिटेल में ना, अगर आपको चैप्टर देखना है तो वीडियो देख लो उसका, या फिर मैं वन शॉट कर लूँगी उस चैप्टर का. बट यू नो व्हेन नेशनलिज्म, मैंने कहा ना कि वो भावना लाने के लिए देश को एक इमेज में दिखाया गया. जैसे भगवान हर जगह है पर हम भगवान को एक इमेज में डालते हैं, है ना? राम की मूर्ति लगाते हैं, कृष्णा की मूर्ति लगाते हैं, क्योंकि उसको देख के हमारे अंदर वो भावना आती है. वैसे ही जर्मेनिया, यू नो मारियान, ये सब सिंबल्स हो गए जिससे देख के लोगों में एक राष्ट्रवाद की भावना आती है, नेशनलिज्म की भावना आती है. हाँ, एलिगरी. ऑल राइट, चलो डेवलपमेंट पे चलते हैं गाइस. डेवलपमेंट सुपर इजी चैप्टर है जिसमें आप पहला कॉन्सेप्ट ये पढ़ोगे, व्हाट इज डेवलपमेंट, वेर यू विल से कि डेवलपमेंट इज नॉट सेम फॉर एवरीवन. समटाइम्स द गोल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वन माइट कॉन्फ्लिक्ट विद द अदर. मेरे हिसाब से डेवलपमेंट होता है कि रोड्स बने, फ्लाईओवर्स बने, बट जब रोड्स और फ्लाईओवर्स और डैम्स बनते हैं तो काफ़ी लोगों का जमीन छीन लिया जाता है, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है, है ना? सो पीपल हैव डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट. मैं अपने आप को इस साइड कर लेती हूँ थोड़ी देर. तो व्हाट इज डेवलपमेंट, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, ठीक है? फिर आप यू विल टॉक अबाउट इनकम. इज इनकम अ गोल ऑफ डेवलपमेंट? गाइस अगर छोटा लिखा है तो अभी मेरी बात सुन लो, पीडीएफ में भेज दूंगी, चिंता मत करो. बता दूंगी कैसे चाहिए मिलेगा पीडीएफ लास्ट में, एंड में वीडियो के, तब तक रहना पड़ेगा, ठीक है? तो आप बोलोगे कि नहीं, इनकम इज नॉट द ओनली बेसिस ऑन विच पीपल मेजर डेवलपमेंट. पीपल ऑल्सो रिजेंट डिस्क्रिमिनेशन. वो चाहते हैं कि वो ऐसी जगह काम करे जैसे मैं हूँ, वेदांतु में हूँ, थोड़ा बहुत पैसा मिलता है पर उससे ज़्यादा यू नो इक्वालिटी मिलती है, फ्रीडम मिलती है, रिस्पेक्ट मिलता है, एंड दीज आर द अदर गोल्स दैट पीपल लुक फॉर, ठीक है? फिर आते हैं हम नेशनल डेवलपमेंट में, जहाँ पर हमने देखा कि नेशनल डेवलपमेंट इज व्हाट इज गुड फॉर ऑल द सिटीजन्स. बट ये इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज अगेन व्हेन इट कम्स टू डेवलपिंग द नेशन, पीपल हैव कॉन्फ्लिक्टिंग एंड समटाइम्स कंप्लीटली डिफरेंट गोल्स, है ना? फिर वी लुक दैट हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट. तो गाइस कंट्रीज कैसे बोले कि ये कंट्री डेवलप्ड है, ये कंट्री लेस डेवलप्ड है? तो जो वर्ल्ड बैंक है वो यूज करता है पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम मतलब दे मेजर द इनकम ऑफ ऑल द पीपल इन द कंट्री एंड डिवाइड इट बाय द पॉपुलेशन, दैट इज द पर कैपिटा इनकम. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ पर कैपिटा इनकम, जल्दी से बता दो मुझे चैट बॉक्स पे. व्हाट इज द प्रॉब्लम विद पर कैपिटा इनकम? हाँ, प्रॉब्लम, एग्जैक्टली प्रॉब्लम ऑफ द पर कैपिटा इनकम इज दैट इट डज नॉट टेल यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन अ कंट्री. हो सकता है कि हमारा पर कैपिटा इनकम और यू नो ज़्यादा हो स्विट्जरलैंड के पर कैपिटा इनकम से, पर वी आर नॉट मोर डेवलप्ड देन दैट कंट्री. डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताता. दैट इज़ वाई यू हैव अदर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, दैट टॉक अबाउट क्या कहते हैं,
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, भूल गई मैं एक मोमेंट के लिए चैप्टर, ठीक है. फिर वी टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, कि वी शुड डेवलप, ऑफ कोर्स वी शुड डेवलप. हमको कोई पैरों से थोड़ी ना कार चलानी है, हमको भी पेट्रोल चाहिए, हमको भी फ्लाईओवर चाहिए, बट वी नीड टू डेवलप थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर जेनरेशंस. फिर आप टॉक अबाउट द UNDP रिपोर्ट दैट कंपेयर्स कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम भी आ जाता है, एजुकेशनल लेवल एक्सेट्रा, ठीक है. फिर आप कहोगे पब्लिक फैसिलिटीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी बुक में, मनी इन योर पॉकेट कैन बाय ऑल इन द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल, राइट. मतलब मनी कैन बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज बट इट कैन नॉट बाय यू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ट्रू और नॉट, है ना. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे क्वेश्चन में भी करेंगे. तो गाइज ये जनरल था, इतना काफ़ी है समझना. लेट्स क्विकली डू द 5 marker questions. Yes, Swapnil, that is correct. ठीक है. What is the main criteria used by World Bank in classifying different countries? जल्दी से बता दो, World Bank क्या use करता है और UNDP क्या use करता है. करवा दूंगी गाइज वो चैप्टर भी. World Bank क्या क्या use करता है, UNDP क्या use करता है. हाँ, वर्ल्ड बैंक करता है पर कैपिटा इनकम, यूएनडीपी क्या करता है, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट. ऑन द बेसिस ऑफ दैट यूएनडीपी डिवाइड्स कंट्रीज इनटू रिच और डेवलप्ड, मिडिल इनकम और पुअर और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. लिमिटेशन ये है दैट इट डज नॉट टेल यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है. 3 marker क्वेश्चन, वॉट इज मेंट बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वट आर द टू बेसिस ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. बहुत ही इजी, बहुत ही लड्डू सवाल. तो आप बोलोगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इट इज डिफाइंड एज द एफर्ट्स टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ द पीपल. इन लेमैन्स लैंग्वेज इट इज हाउ पीपल कैन मेक देमसेल्व्स बेटर ऑफ बाय इंक्रीजिंग देयर कमांड ओवर गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब जितने हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पाए, जितने हमारे पास ऑप्शंस हो, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वी कैन मेजर इट बाय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और पर कैपिटा इनकम, ठीक है. ऑलराइट, नेक्स्ट. Money cannot buy all the goods and services that one needs to live well. Do you agree with this statement? Huh? Poonam, I will put a Google form in the community page. वहाँ बता देना. तो इसमें आप गाइज ये जो है CBSE मार्किंग स्कीम से मैंने निकाला है, ठीक है. अगर आपने ये पॉइंट्स लिख दिए तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे कि हाँ, मनी कैन नॉट बाय यू थिंग्स बिकॉज पीपल सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट एंड फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, दे रिजेंट डिस्क्रिमिनेशन, वन मे डिजायर फ्रेंडशिप, एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ और गुड एजुकेशनल फैसिलिटीज. ऑलराइट, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है. तो मैं अपने आपको वापस से छोटा कर देती हूँ. गाइस ये बहुत ही आसान चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ा था दैट देयर आर 3 sectors ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर होता है जैसे आपका एग्रीकल्चरल फार्मिंग सेक्टर हो गया, वहाँ जहाँ पर एक्टिविटीज आर रिलेटेड डायरेक्टली टू नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, ये सब प्राइमरी सेक्टर है. फिर आपका सेकेंडरी सेक्टर हो गया जहाँ पर आप रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में, कहाँ फैक्ट्री में ना, घर पे भी कुछ लोग करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री में प्रोसेस करते हो एंड यू गेट अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, वो आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री में. टर्शरी इंडस्ट्री होता है सर्विस, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग इज अ टर्शरी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टीजमेंट, ये सब होता है टर्शरी इंडस्ट्री में. अब हमने देखा कि पहले क्या होता था 1970s में, प्राइमरी सेक्टर का जो यू नो कॉन्ट्रीब्यूशन था टू GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो सबसे ज़्यादा था. बट अब जाके हम देखते हैं कि टर्शरी सेक्टर का बहुत ज़्यादा हो गया है. वाई इज दैट, वाई इज इट दैट, हाँ कम्युनिकेशन भी सही है, वाई इज इट कि टर्शरी सेक्टर का बहुत ज़्यादा यू नो कॉन्ट्रीब्यूशन है आजकल एंड नॉट द प्राइमरी सेक्टर एनी मोर. बहुत आसान है, द रीजन फॉर दैट इज दैट यू नो मोर एंड मोर पीपल आर नाउ एम्प्लॉयड इन द टर्शरी, सॉरी नॉट एम्प्लॉयड बट वी सी दैट यू नो वॉट, इसका आंसर मैं बाद में दूँ. एजुकेशन फॉर बेटर मार्केटिंग, बेसिक सर्विसेज, बेसिक सर्विसेज, चलो इसका मैं बाद में दूंगी, उसका डिटेल अभी नहीं जाती, क्वेश्चन है, बाद में करेंगे हम उसको. फिर हम लोगों ने देखा व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. आई होप यू नो व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एनी कंट्री, ठीक है. फिर हम देखते हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट द प्राइमरी सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स द लीस्ट टू द GDP, इट एम्प्लॉयज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. वाई, क्योंकि वहां पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है,
ठीक है. अब हम देखते हैं कि हाँ टर्शियरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बट टर्शियरी सेक्टर में ऑल इज़ नॉट वेल, बिकॉज वी सी दैट अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट्स हैं दैट इज़ नॉट वेरी सिक्योर. And that is your very quick revision of this chapter. Give 5 reasons for the rising importance of the tertiary sector in production. अब कर लेते हैं ये. तो guys ये आपका basic services हो गया. In any country, services like hospitals, educational institutions, telegraph services are run by the government. इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये services जो है ये government देती है. इसीलिए tertiary sector का you know contribution बढ़ गया है. Secondly, जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर बढ़ रहा है तो टर्शियरी सेक्टर भी साथ साथ बढ़ेगा बिकॉज इट सपोर्ट्स द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर. ठीक है, क्लियर. देन यू हैव राइज इन इनकम लेवल्स, क्योंकि लोगों के इनकम बढ़ गए हैं तो लोगों को घूमने जाना है, अच्छा खाना खाना है, शॉपिंग जाना है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है. आप लोगों में से बहुत बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे, दैट इज ऑल्सो इंक्रीज द टर्शियरी सेक्टर. राइज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इसने भी बढ़ा दिया है. ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के वजह से नाउ यू आर सिटिंग देयर एंड यू आर एबल टू अवेल माई सर्विसेज और सर्विसेज एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड. लोगों को कीवी चाहिए ऑस्ट्रेलिया का, एप्पल चाहिए कश्मीर का, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही. तो यू नो टर्शियरी सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो रहा है इससे. ठीक है, क्लियर. 3-marker क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग द नरेगा 2005. इसमें भी बहुत आसान है. मेजर ऑब्जेक्टिव आप पहले नरेगा के बारे में बताओगे कि कैसे इट गिव्स 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू पीपल, और फिर आप बोलोगे कि वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स इज टू एंश्योर, क्योंकि जो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है ना लोगों का वो खत्म हो एंड पीपल गेट प्रोडक्टिव वर्क एंड यू नो दे गेट सम काइंड ऑफ इनकम व्हेन नॉन फार्म डेज होते हैं. ठीक है, सही सही. एक्सप्लेन विथ सूटेबल एग्जाम्पल्स विच पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर इज नॉट ग्रोइंग इन इम्पॉर्टेंस. तो गाइज ये मैंने बता दिया है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है दैट इज नॉट ग्रोइंग, और इस पर आप थोड़ा इलाबरेट कर सकते हो कि कैसे ये जो लोग होते हैं जो स्किल्ड नहीं होते, जैसे जो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में काम कर सकते हैं उनको तो नौकरियां मिल रही है, बट जो स्किल्ड नहीं होते, जो सेमी स्किल्ड होते हैं, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स हो गए, कैटल रिपेयर पीपल हो गए, इनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही. ठीक है, चलो अब हम आते हैं फाइनल चैप्टर पे, वो है ज्योग्राफी. गाइज ये चैप्टर जल्दी से कर लेते हैं और फिर मैं फाइनल वीक क्विज करूंगी. ठीक है, इज एवरीवन रेडी? यस. बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स है, ठीक है, मतलब योर वेट शुड नॉट, इट इज नॉट, चलो बाद में बात करेंगे उसके लिए, जल्दी से कर लेते हैं. एग्रीकल्चर में यू विल टॉक अबाउट फूड क्रॉप्स, बेवरेज क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स. लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो इफ यू वॉन्ट अ टेबल फॉर ऑल ऑफ दीज क्रॉप्स, सो दैट वो टेबल करो, बुक खोलने की जरूरत नहीं है. इफ यू वॉन्ट दैट लेट मी नो, आई विल मेक अ चीट शीट फॉर यू एंड अगले हफ्ते ही मैं डाल दूंगी. ठीक है, तो ये है आपके वो टाइप्स ऑफ फार्मिंग, 3 types ऑफ फार्मिंग है. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव मतलब पुरानी, जो पुराने यू नो टूल्स यूज किए जाते थे फार्मिंग में. सब्सिस्टेंस मतलब फॉर सर्वाइवल, है ना. तो व्हेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड बाय प्रिमिटिव टूल्स, जैसे हो गया, डिगिंग स्टिक्स हो गया, ओनली फॉर सर्वाइवल ऑफ द फैमिली और फॉर द कम्युनिटी, प्रॉफिट के लिए नहीं है. 10 kg ग्रो करते हैं, 10 kg खा लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. फॉर एग्जाम्पल स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. फिर आते हैं हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे. सब्सिस्टेंस मतलब अगेन लैंड बहुत छोटा है, सर्वाइवल के लिए है. इंटेंसिव मतलब द लैंड इज बीइंग यूज्ड इंटेंसिवली, हम बहुत ज़्यादा उसके ऊपर यू नो इरिगेशन कर रहे हैं, बायोकेमिकल इनपुट्स डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, क्लाइमेट भी अच्छा है, तो हम लोग 2 crops ग्रो कर रहे हैं एक सीजन में. ठीक है, एंड देन वी कम टू कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग मतलब फॉर कॉमर्स, फॉर ट्रेड, प्रॉफिट के लिए लार्ज ट्रैक्स ऑफ लैंड पे हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज करते हुए, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करते हुए, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स को यूज करते हुए हम मस्त फार्मिंग कर रहे हैं टू सेल फॉर प्रॉफिट इन द मार्केट. एग्जाम्पल प्लांटेशन. ठीक है, ऑल राइट. भार्गव वो वाला चैप्टर आई थिंक अंकना मैम ने कराया नहीं है, आई विल डू इट. ठीक है, नेक्स्ट वीक. ठीक है, फिर क्रॉपिंग पैटर्न जो है, राबी क्रॉप्स, खारीफ क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स है. राबी क्रॉप्स जैसे व्हीट हो गए, जो ठंड में उनको बोया जाता है ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर, और सड़ी हुई गर्मी जब धूप होती है तब उसको हार्वेस्ट किया जाता है, तो मार्च और अप्रैल जून में. जैसे व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम और मस्टर्ड. खारीफ क्रॉप्स वो होते हैं जो जिसको बोलते हैं मानसून क्रॉप्स, है ना, जैसे बारिश होती है और तभी उसको बोए जाते हैं, एंड दे आर हार्वेस्टेड इन सेप्टेम्बर. तो अभी ये सब बहुत आ रहा है, मेज, ज्वार, उड़द, कॉटन, जूट, मूंग,
है ना, ये खारिफ क्रॉप्स है। जायद क्रॉप्स सबसे आसान है लर्न करने के लिए, जो समर क्रॉप्स नहीं होते जो गर्मियों में आपको मिलते हैं, जैसे क्यूकम्बर बहुत ज़्यादा मिलता है, मस्क मेलन, वाटर मेलन, गर्मियों के क्रॉप्स है ना। सो इट इज़ ग्रोन बिटवीन राबी एंड खारिफ क्रॉप्स। क्लियर? क्लियर? और मैम आपके कोलगेट में नमक है, ज़्यादा ही नमक लग रहा है। ऑलराइट, फिर हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। एंड देन यू हैव कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करना, इंश्योर करना कि फार्मर्स के पास क्रॉप इंश्योरेंस है, क्योंकि कभी कभी क्रॉप्स पे बारिश हो जाती है, साइक्लोन आ जाता है, खराब हो जाते हैं, तो यू नो दे शुड हैव सम सिक्योरिटी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लोन्स, ये सब होता है थिंग्स दैट वी कैन डू टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन के वजह से क्या हो गया है कि ज़्यादातर हम लोग भी एक्सपोर्ट करने लग गए हैं फूड ग्रेन्स, है ना, एंड मोर फार्मर्स आर नाउ एक्सपोज टू बेटर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब लेट्स गो ऑन टू वी क्विज। ये वाले चैप्टर के लिए आई थिंक बहुत लोगों के यहाँ नहीं आ रहा है ये चैप्टर, तो वी क्विज पे चलते हैं, जल्दी से आ जाओ। ये चैप्टर नहीं आ रहा, आई नो। तो गाइज, रिसोर्स और डेवलपमेंट का पार्ट वन अंकना मैम ने करा दिया है, पार्ट टू मैं अगले हफ्ते करा दूंगी, फिर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वन शॉट करा दूंगी, एक बार में मैं पूरा कर लूंगी। ठीक है, चलो खत्म होने वाला है सेशन, जल्दी से आ जाओ वीक क्विज पे, फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाओ। ऑल नाइटर नहीं करूंगी मैं, चिंता मत करो। गाइज, जो पर्सन का वेट और हाइट होता है ना, उसके हिसाब से BMI होता है। ये पता किया गया कि सिर्फ वेट इज़ नॉट इनफ, है ना, टू अंडरस्टैंड। कभी कभी क्या होता है, हाइट बहुत लंबी होती है और इंसान अंडर वेट होता है, दैट इज़ वाई। ठीक है, तो वेट येस डिवाइडेड बाई हाइट स्क्वायर। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज करेक्ट? पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिविजन। इट इज सूटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रीजनल डिविजन। एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिविजन। पावर शेयरिंग इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। गुड, द आंसर इज यस। पावर शेयरिंग हर सोसाइटी में होना चाहिए। पावर एक इंसान पे अगर हो ना बस, तो टिरनी होती है ना, मतलब टिरनी मतलब एब्सोल्यूट अथॉरिटी हो जाती है। तेजस प्रखर नलिन स्टिल ऑन टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से आ जाओ। टू मेक इंडिया अ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन वी नीड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी या ऑल ऑफ द अबव। पढ़ रही हूँ भैया, क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, तो आपको रिप्लाई कैसे करेंगे, है ना, मतलब मुझे पता है कि लगती हूँ मैं सुपर ह्यूमन बट हूँ नहीं एक्चुअली। ऑलराइट, सो लेट्स लुक एट द आंसर। आपका फेवरेट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। फिजिक्स भी पढ़ा दूँ ना, पढ़ा सकती हूँ, ऐसे पढ़ा सकती हूँ, मतलब बस ये होगा कि आप फेल हो जाओगे। तेजस नलिन प्रखर स्टिल ऑन टॉप। गाइज क्या हो रहा है, नए बच्चे आओ ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन is what is primitive subsistence farming known as in northeast states like Assam, Meghalaya, Mizoram and Nagaland? क्या बोला जाता है, बहुत ही आसान है, ये तो आप 8th standard से पढ़ते आ रहे हो। हाँ जरूर, मैथ्स भी पढ़ा सकती हूँ, 2+2=5 होता है, इतना क्या है इसमें पढ़ाना, क्या है ना, पता ही आपको। आंसर इज झूमिंग। हॉर्टिकल्चर क्यों लिखा, पांडा क्या, हॉर्टिकल्चर होता है ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स। वी हैव तेजस नलिन प्रखर प्रियल अमूल्या नीवा दीक्षा क्लास 10 आदित्या रिद्धिमा ऑन टॉप एंड करेक्ट। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया राइस इज कंसिडर्ड टू बी अ कमर्शियल क्रॉप। वाह कैलाश, बड़ा मजा आया सुन के। नहीं साइंस, आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट टिल 12th स्टैंडर्ड। आई एक्चुअली ऑल्सो गेव इंजीनियरिंग एंड मतलब हो जाता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, AIEEE में रैंक भी आ गई थी मेरी, बट मैं पापा को बोली थी कि पापा अब नहीं होगा मुझसे फिजिक्स और मैथ्स। यस,
द आंसर इज गाइस पंजाब. पंजाब एक्चुअली एक नेचुरल स्टेट नहीं है जहाँ राइस ग्रो होना चाहिए, बट राइस इज ग्रोन देयर बिकॉज टुडे इरिगेशन हो गया है, कैनाल्स हो गया है, वी ग्रो राइस देयर. तेजस, नलिन, प्रखर, दीक्षा, अमूल्या, अर्घ, रिद्धिमा, यक्षित, आदित्या, गौरी ऑन टॉप एंड करेक्ट. और पढ़ाऊ? वाह वाह. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फूड सिक्योरिटी पॉलिसी? क्यों है हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी पॉलिसी, किस एम से है? टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन टू द कॉमन पीपल एट एन अफोर्डेबल प्राइस, टू डाइवर्सिफाई क्रॉप प्रोडक्शन टू इंक्रीज इनकम ऑफ द फार्मर्स, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस अगेंस्ट क्रॉप फेलियर, टू शिफ्ट फ्रॉम फूड ग्रेन प्रोडक्शन टू कमर्शियल क्रॉप्स. हाँ गाइस, सिक्योरिटी, फूड की सिक्योरिटी, मतलब ऑब्वियसली टू एंश्योर कि हमको ना कभी भी किसी पे डिपेंडेंट ना हो खाने पे. जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है ना, इफ यू वर डिपेंडेंट अपॉन रशिया फॉर फूड, हमारी तो हो, मतलब वॉट वुड हैव हैपेंड, है ना. इसीलिए तो गाइस सबसे पहले तो एंड सेशन करने से पहले लेट अस क्विकली कॉन्ग्रेचुलेट द विनर्स ऑफ द डे. वी हैव तेजस पाटिल ऑन टॉप. जो लोग नहीं जीते दुखी मत हो, क्योंकि ये तो बस प्रैक्टिस था, है ना. यू ऑल्सो आर विनर्स एंड गुड जॉब ऑल ऑफ यू, नलिन, प्रखर एंड ऑल ऑफ यू हु वर देयर इन द सेशन फॉर द एंटायर टाइम. मतलब कुछ बच्चे हैं ना उसे भाग गए, उनकी हिम्मत नहीं रही पूरे सेशन में रहने की. सो गुड जॉब ऑल ऑफ यू. एंड कहाँ गया मेरा, लेट्स लुक एट द विनर्स राइट हियर. कहाँ गया भैया? हाँ, मैंने कुछ टेबल भी बनाई है आपके लिए, वो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको, ठीक है. तो मैं आ जाती हूँ स्लाइड पे. राइट, सो गाइज गुड जॉब, गुड जॉब. वी हैव तेजस, नलिन एंड प्रखर टूडे एज विनर्स. गुड जॉब ऑल ऑफ यू, गुड जॉब. वेरी गुड, वेरी गुड. मजा आया? हाँ, 12 बजे तक क्लास करना था आपको. वाह वाह वाह. नहीं, आई आई टी दिल्ली मुझे मिल भी नहीं रहा था बच्चा. कुछ भी AI EEE की बात कर रही हूँ. ऑलराइट गाइस, सो दैट वाज इट फॉर द सेशन. काफ़ी मेहनत कर ली. एग्रीकल्चर मुझे पता चला काफ़ी बच्चों के एग्जाम्स में नहीं आ रहा, तो ऑल ऑफ यू हु आर वेटिंग फॉर अस टू डू वो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर, आई विल डू दैट इन द नेक्स्ट वीक. तो बी देयर फॉर दैट, ठीक है. एक और क्विज क्या होता है, कहाँ से मैं हूँ, पैदा करूँ मैं? सो गाइज दैट इज इट. और क्विजेस चाहिए तो अच्छा हाँ, PDF कहाँ मिलेगा गाइज? एक तो मैं इस टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, मैं बोल दूंगी कि लिंक को अपडेट कर दे. दूसरा जो है ना, अगर आप टेलीग्राम पे ढूंढो सोशल स्टडीज विद सुरभि, ये वाला ढूंढोगे ना तो आपको मिल जाएगा चैनल, ठीक है. आई विल पोस्ट इट देयर ऑल्सो, इज दैट ओके? चलो दैट इज इट. SST से बहुत डर लगता है, चिंता मत करो, एज वी गो फॉरवर्ड इट विल बी ईजी फॉर यू, ठीक है. दैट इज इट गाइज, आई हैड सुपर फन विद ऑल ऑफ यू. लेट मी नो कॉमेंट सेक्शन में, जरूर बता देना प्लीज कि क्लास कैसी लगी, क्या चाहते हो आप मुझसे, कब तक आप मेरे साथ बैठ के पढ़ना चाहते थे, ठीक है, सब कुछ. एंड दैट इज इट. दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट फॉर द डे.